This call is now being recorded. चलो लेट स्टार्ट. कल का सब कुछ समझ में आ गया? कल के आगे कोई डाउट है? मतलब कल का कोई चीज में डाउट है किसी को भी? आवाज आ रही है ना मेरी? एक मिनट, मुझे तुम लोगों की आवाज कम क्यों आ रही है? हाँ ठीक है, चलो चालू करते हैं. आज अपन नया करेंगे, ठीक है? चलो शिवम भी आ गया, अब चालू करते हैं. कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस का आज अपन केस करेंगे. तीन चार आज करेंगे, ठीक है? सबसे पहले कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने ऐसे सोचा था एग्जाम में, मैंने ना ये केस बिल्कुल अच्छे से पढ़ा नहीं था, बट मुझे एक एमसीक्यू मिला था इसका. तो फिर भी मैं तो यही बोलती हूँ कि इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर एक ये नॉर्दर्न रॉक है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है अपना. फिर ये तो कुछ था, ये तो छोटी छोटी बात है. फिर उसके बाद एमजीआरएम केस, किसी को याद है? मैंने पढ़ाया था एमजीआरएम अभी थोड़े टाइम पहले ही. हाँ, वो ऑयल वाला। अरे हाँ, ऑयल वाला. किसने बोला? किसने बोला? हाँ, वेरी गुड, शिवम को याद है. चलो, मेरे को ऐसे लगता है ना, किसी को याद होता है तो मेरे को एकदम खुशी होती है. चलो लेट स्टार्ट विद कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस. तो इस केस में क्या था? द केस ऑफ कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस इलस्ट्रेट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड रिस्क एसोसिएटेड विद बैंकिंग. ठीक है, इसमें मेजरली बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात की है कि बैंकिंग सेक्टर जब लोन देते हैं और लोन जब रीपे नहीं कर पाते कस्टमर्स, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो इस केस से समझ में आएगा. पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू एसेट क्वालिटी, ठीक है, जो क्वालिटी जो वो लोग कोलेटरल देते हैं. फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ बीइंग लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अब ये जो कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस था ना, ये बहुत बड़ा बैंक था. ठीक है, इट वॉज अ वेरी बिग बैंक. एंड इसने एक बैंक था पेन स्क्वायर बैंक करके, ठीक है, इसने पेन स्क्वायर बैंक के साथ कोलैबोरेट कर रखा था. पेन स्क्वायर बैंक के साथ इसका कोलैबोरेशन था, ठीक है. अब क्या हुआ, ये जो पेन स्क्वायर था, ये इतना कुछ खास पड़ा नहीं था. तो पेन स्क्वायर क्या करता था, छोटे छोटे लोगों से लोन्स लेके आता था. देखो यहाँ पे पेन स्क्वायर अपने जो भी लोन्स होते थे ना, जो इसको लगता था कि अरे ये बड़े लोन्स है, छोटे नहीं, छोटे तो वो खुद देख लेता, लेकिन उसको जो लगता था ना कि बड़ी लोन्स है, तो सारे बड़े लोन्स ना इसको ट्रांसफर कर देता था, कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस को. लेकिन एक टाइम पे ये वाला जो बैंक है ना, ये पूरा का पूरा डूब गया. ठीक है, ये बैंक पूरा का पूरा नीचे आ गया और बैंकरप्ट जैसा हो गया. लेकिन इसके जो लायबिलिटीज थी ना, इसकी लायबिलिटीज सारी कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस के पास थी. तो इसकी लायबिलिटीज कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस को अफेक्ट करी, और कितने मेजर वे में अफेक्ट करी वो हम देखते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ कि मैं इसकी बात कर रही हूँ. देखो, ग्रोथ एंड मर्जर, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस वॉज, हाँ, कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस वॉज एस्टेब्लिश्ड अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द बैंकिंग सेक्टर. ठीक है, इट वॉज अ वेरी बिग बैंक, ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं था, अच्छा था. ठीक है, फॉलोइंग अ मर्जर इन 1919-1910 की, तो बहुत पुरानी बात हो गई, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है. इट ग्रू टू बी द लार्जेस्ट बैंक इन शिकागो एंड वन ऑफ द टॉप 10 बैंक इन यूएस बाय लेट 1970s. ठीक है, शिकागो का सबसे बड़ा बैंक था और यूएस के टॉप 10 बैंक में से एक बैंक था. इसका क्या फोकस था? इसका फोकस वॉज ऑन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोन्स. ठीक है, दिस वॉज द मेजर फोकस. ये मेजरली कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोन्स देता था. बैंक एग्रेसिवली परस्यूड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोन्स, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज वाइटल वाइटल प्लेयर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेसेस, पर्टिकुलरली इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर. ठीक है, इट वॉज मेजरली इन टू ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन. अब पेन स्क्वायर बैंक क्या था? ठीक है, हाउ इज पेन स्क्वायर इन दिस सिचुएशन? तो पेन स्क्वायर बैंक एंड लोन एक्सपोजर है, इसमें क्या था, इसकी पार्टनरशिप थी. ठीक है, पेन स्क्वायर बैंक के साथ इन लेट 1970s कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बिकेम इन्वॉल्व्ड विथ ओक्लाहोमा बेस्ड
स्क्वायर बैंक, ठीक है, ये कोई जगह है ओक्लाहोमा, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इट कोलैबोरेटेड समहाउ, लाइक ये कोलैबोरेट हुआ था पेन स्क्वायर बैंक के साथ एंड दोनों पार्टनरशिप में चलने लगे थे। तो क्या पेन स्क्वायर क्या करता था, पेन स्क्वायर के पास जो भी लार्जर लोन्स आते थे, देखो देखो पेन स्क्वायर के पास जो भी लार्जर लोन्स आते थे ना, वो कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस को ट्रांसफर कर देता था। अरे बाप रे, ये क्या, हाँ, वो सारे बैंक्स कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस को ट्रांसफर कर देता था। व्हाई इज दिस हैपनिंग लाइक दिस, जाने दो। समझ में आई इतनी बात, क्या सिचुएशन समझ में आ गई ना, क्या हो रहा था। इफेक्टिवली चैनलिंग फ्रॉम स्मॉलर लोन्स टू अ लार्जर इंस्टीट्यूशन, समझ में आई सिचुएशन, इतनी समझ में आई मुझे। हाँ या ना बोलो, ठीक है, खुद पढ़ने बैठोगे ना समझ में नहीं आएगी एक भी केस स्टडी। नींद आ रही है सबको, अरे व्हाई आर यू नॉट, और कोई रोहित रिप्लाई करो। रोहित लेफ्ट द मीटिंग। हर्ष रिप्लाई करो, हाँ समझ में आ रहा है कुछ मैम, हाँ तो। तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे रिवर्ट क्यों नहीं कर रहे। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, एटलीस्ट मेरे से बात तो करो। रोहित को तो नेटवर्क इशू है तो उसने मुझे बोला है, बट ये क्या तरीका है, व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग टू मी। एक बार और रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है। कॉन्टिनेंटल बैंक था, ठीक है, कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस एक बैंक था, ये वो सबसे बड़ा बैंक था चिकागो का और यूएस के टॉप 10 बैंक्स में से एक था, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस क्या करता था, एक और बैंक था छोटा बैंक पेन स्क्वायर बैंक के साथ उसने पार्टनरशिप में आ रखा था, ठीक है। और पेन स्क्वायर क्या करता था, उसके पास जो भी बड़े लोन्स होते थे ना, या फिर छोटे छोटे मिला के बहुत सारे, एक ही साथ सारे के सारे लोन्स, सारे तो नहीं बट ऑलमोस्ट जो वो खुद हैंडल नहीं कर सकता, वो सारे लोन्स वो कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस को दे देता था, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस बड़ा लोन था, सॉरी बड़ा बैंक था। समझ में आया मेरी बात, समझ में आ रही है बात शिवम, समझ में आई। चलो आगे, अभी एनर्जी मार्केट डाउनटर्न, ठीक है, ये क्या था, मेजरली ऑयल और गैस सेक्टर में ही कर रहे थे ये लोग भी सारे काम, और उसमें भी ये लोग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोन्स देते थे। तो अब क्या हुआ, 1981 में एनर्जी सेक्टर फेस्ड अ सिग्निफिकेंट डाउनटर्न, ठीक है, तो सारे के सारे ऑयल प्राइसेस नीचे आने लग गए होंगे, तो जो जो लोग किसके कस्टमर्स थे, वो सारे के सारे कस्टमर्स वर डीलिंग इन ऑयल, ऑयल सेक्टर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब अगर ऑयल की प्राइसेस नीचे आए, सॉरी ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो उनको अफेक्ट होगा या नहीं अफेक्ट होगा। हाँ, क्योंकि उनको उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस नीचे आने लगे, बढ़ नहीं रही, उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर जो जो इनके बोरोवर्स है, जिनने से जिन लोगों ने बैंक से पैसा दे रखा है, अगर वो ही पैसा नहीं कमा रहे तो वो अपने पैसे नहीं रीपे कर पाएंगे, ठीक है, तो दे वर नॉट एबल टू रीपे। अभी देखो, सीवियरली अफेक्टिंग द वायबिलिटी ऑफ लोन्स, ठीक है, लोन से खराब हो गए क्योंकि वो लोग रीपे ही नहीं कर पा रहे थे। रिलेटेड टू ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, व्हेन पेन स्क्वायर बैंक बिकेम इनसॉल्वेंट ड्यू टू इट्स एक्सपोजर टू दीज फेलिंग लोन्स, ठीक है, पेन स्क्वायर तो पूरा का पूरा इसी चीज में डील करता था, और इसके जितने भी लोन्स थे ना सारे फेल हो गए क्योंकि बोरोअर्स वर नॉट एबल टू रीपे। तो कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस के पास जो जो भी पेन स्क्वायर के लोन्स थे, उसने बहुत सारे लोन्स तो कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस को ट्रांसफर कर रखे थे, तो उसकी उसकी वैल्यू वाज अराउंड 1 बिलियन इन पेन स्क्वायर लिंक लोन्स। समझ में आई, समझ में आया मेरी बात, 1 बिलियन के लोन्स थे, ठीक है, इतना लोन्स कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस के पास पेन स्क्वायर के थे, जो कि सारे के सारे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे, दे वर फेलिंग इन मार्केट, ठीक है, और इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। ये सिचुएशन थी, सिचुएशन समझ में आ गई।
अब मेजर चैलेंजेस, डिफरेंस तो कुछ नहीं रहा ना, डिफरेंस डिफरेंस मतलब, तो लेमेंट बोलोगे इसमें डिफरेंस नहीं रहा। अरे सब केस एक जैसे ही है। अभी अभी अपन आगे चलेंगे ना, ये अपना चैप्टर 11, सॉरी ये 10 है ना, 10 फिर 11 और इसके बाद 11 के बाद 4, सब एक जैसे है। वो मॉर्गेज मॉर्गेज मॉर्गेज, तो अभी ना तुम लोगों को वही नाम मेजरली सुनना है, मॉर्गेज या फिर बोरोवर्स ने रीपे नहीं किया, सब इसी पे रिलेटेड है। बट ये सारे केस पढ़ोगे ना तो वो टॉपिक तुम्हें एकदम अच्छे समझ में आ जाएंगे। बट 2007-09 क्राइसिस वॉज मेजरली ड्यू टू दिस ओनली। उसमें भी सबसे बड़ा हाथ तो सबप्राइम लोन्स का था। अब देखो फंडिंग चैलेंजेस, पैसे का, पैसे तो आ ही नहीं रहे थे उनके पास, क्यों नहीं आ रहे थे उसका देखो। सबसे पहली बात तो कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस प्राइमरीली रिलाइड ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, फ्रॉम द फेडरल रिजर्व। उसने क्या किया, वो क्या बोलता था फेडरल रिजर्व से, पहली बात तो वो पेन स्क्वायर से लोन लेता था, ठीक है, पेन स्क्वायर इसको अपने सारे लोन्स ट्रांसफर करता था। अरे मैं कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस को सीआई लिख रही हूँ, ठीक है, ये इसको लोन्स ट्रांसफर करता था, ठीक है, क्या $1 बिलियन का लोन पड़ा था, क्योंकि वो बैंक खुद हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो वो इसको थोड़े पैसे दे देता होगा और इसको बोलता था कि आप हैंडल कर लो, ठीक है। लेकिन ये भी उसको, उसके पास लोन्स तो थे, ठीक है, मतलब उसको लोन्स के लिए जो भी रीपेमेंट वगैरह मिलता था वो सब मिलता होगा, तो जो भी इंटरेस्ट था और प्रिंसिपल अमाउंट था और जो कोलेटरल था लोन्स का, सब कुछ कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस के पास आता होगा, ठीक है। लेकिन ये सब लोन देने के लिए ये कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस कहाँ से पैसे लाता होगा, तो कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस फेड बैंक के पास जाता था। ठीक है, एंड व्हेन ये सब पूरा जब फेल होने लगा ना, तो ये सारे के सारे पैसे नहीं रिटर्न कर पा रहा था, ठीक है, तो सीआई वॉज नॉट एबल टू पे। टू फेड, आई डोंट हैव स्पेस ओवर योर, जस्ट अ मिनट। ये फेड था, ठीक है, जहां पे सीआई वॉज नॉट एबल टू रीपे। मेरी बात समझ में आई सबको, क्या सिचुएशन है? ठीक है चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो ये रीपे नहीं कर पा रहा था, ठीक है, और उसने क्या किया था, उसने सीडीज भी लिए थे। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ये भी एक, अगर मार्केट से हमें पैसा चाहिए ना, तो सीडीज भी एक पैसा निकालने का तरी, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसी को पता है कि क्या होता है, पहले मुझे बताओ। और नहीं पता तो वैसे मैं अभी तो सिखा भी नहीं सकती, नेक्स्ट चैप्टर में या फिर फोर्थ में ही सिखा पाऊंगी। क्या पूछा? सीडी क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नहीं पता ना, पर मेरे को समझाना ही पड़ेगा। बट सीडी को क्यों यूज करते थे ना, यहाँ पे टर्म आया है तो मैं बता देती हूँ। सीडी को अगर हमें मार्केट से पैसा चाहिए ना, तो हम सीडी करते हैं, ठीक है, सीडी को इश्यू करके मार्केट से पैसा ले सकते हैं, इट्स लाइक दैट, ठीक है, मार्केट से लेवरेज लेने के लिए हम सीडी इश्यू करते हैं। अभी के लिए इतना समझ लो, फिर आगे मैं पूरा बाद में समझा दूंगी। टू मीट इट्स फंडिंग नीड्स, क्योंकि अब सीआई को तो लॉस हो रहा है, तो उसको फेड फेड रिजर्व को अपने सारे पैसे देने हैं, तो वो कहाँ से दे, तो वो ये सब सीडीज और फिर इन सब के जो पैसे इसने ले रखे थे ना, वो सब रीपे ही नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इतना लॉस था। तो बट ये सब मतलब इन सब लोगों से पैसे लेके भी वो अपने लॉस नहीं रीपे कर पा रहा था, ठीक है। तो फिर दिस स्ट्रेटेजी इज टिपिकल फॉर बैंक्स, बट कैन बिकम प्रॉब्लमेटिक इफ नॉट मैनेज केयरफुली, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अब ये सीआई को इतना ज्यादा स्ट्रेस था, ठीक है, तो इसने फेड बैंक से पैसे लिए होंगे, बट उसको भी पैसे नहीं रीपे कर पा रहा, इसने सीडी से भी पैसे लेने की ट्राई करी होगी। बट क्या सब लोग एक बार को पैसे दे देते, ठीक है चलो हेल्प कर देते, क्योंकि इतना बड़ा बैंक है, बट जब बैंक भी इतनी बड़ी स्ट्रेस सिचुएशन में हो तो वो वापस से रीपे नहीं कर सकता, तो ये एक बहुत बड़ी सी बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर देवर फेसिंग लिक्विडिटी इश्यूज, लिक्विडिटी इश्यूज मतलब क्या, कोलैटरल जो था वो कोलेटरल को मार्केट में बेच ही नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, नॉट एबल टू सेल इन मार्केट, और अगर बेच भी पा रहे होंगे ना,
इफ एबल टू सेल तो वो बहुत लो प्राइस पे होगा, ठीक है, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, लॉस ही हो रहा होगा और उसको बेचने से। उन लोगों ने सोचा होगा कि मेरे कोलैटरल की वैल्यू 100 मिलियन के, इससे मैं 100 मिलियन जितना पैसा रिकवर कर पाऊंगा, तो 100 मिलियन तो दूर की बात है, 30 मिलियन भी नहीं रिकवर हो पा रहे होंगे, ये सिचुएशन थी मार्केट में, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी इश्यूज। एज लॉसेस माउंटेड एंड द मार्केट बिकेम अवेयर ऑफ कॉन्टिनेंटल्स एक्सपोजर टू रिस्की लोन्स, ठीक है, उनको पता चल गया कि अरे बाप रे, ये तो सारे रिस्की लोन्स थे, क्योंकि सारे के सारे बोरोवर्स कैसे निकले, रोहित जैसे, समझ में आया, कल के एग्जाम्पल में हमने किया था ना। रोहित बोलेगा मैम बदनाम करके रख रही है मेरे को पूरा का पूरा, ठीक है। फिर द बैंक फेस्ड इंक्रीजिंग लिक्विडिटी चैलेंजेस, क्योंकि बोरो रीपे कर नहीं रहे थे पैसे, कोलैटरल की वैल्यू नीचे नीचे घटती जा रही थी, तो करे क्या, ना तो पेन स्क्वायर कुछ कर पा रहा था, ना तो सीआई कुछ कर पा रहे थे, तो फिर कुछ हो ही नहीं पा रहा था, दैट्स वाई बहुत बड़ी लॉस की सिचुएशन हो गई। द कॉम्बिनेशन ऑफ होल्डिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो फेलिंग लोन्स थे, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे, इसलिए लोग बोलते हैं कि अगर आप लोन रख दे रहे हो ना, तो एटलीस्ट चेक की किसको दे रहे हो, नहीं तो वो लोन्स ऐसे हो जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। रिलाइंग ऑन शॉर्ट टर्म फंडिंग क्रिएटिंग अ प्रीकैरियस सिचुएशन, इसका मतलब क्या हुआ कि फेड बैंक से पैसे ले भी रहे होंगे, तो जिनसे पैसे बोरो कर रहे हैं वो भी शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर रहे हैं। जैसे मैंने शिवम से पैसे बोरो किए थे, एक दिन के लिए बोरो किए थे, और उसके बदले में मैंने रोहित को 15 दिन के लिए पैसे दिए थे, तो पहली बात तो रोहित के कोलैटरल से मुझे पैसे नहीं मिल रहे, रोहित मुझे रीपे नहीं कर रहा, और मुझे शिवम को नेक्स्ट डे पे करना है, तो मैं कैसे पे करूं, मेरे पास कोई कोई कुछ सोर्स ही नहीं है पे करने का, इसलिए इट वॉज अ वेरी मेसी सिचुएशन फॉर एवरीवन। फिर बोरोइंग इन फॉरेन मार्केट्स, ठीक है, अब वो इंडियन मार्केट से पैसा नहीं ले पा रहे, तो वो क्या फॉरेन में जाते थे, फॉरेन मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश करते थे, बट क्या हो रहा था कि इतनी इनस्टेबिलिटी देख के कोई भी पैसा नहीं देता है, तो इन लोगों ने क्या किया, जापान के पास गए, ठीक है। कॉन्टिनेंटल सॉट टू रेज फंड इन हायर रेट फॉरेन मनी मार्केट्स, ठीक है, वो फॉरेन मनी मार्केट से उन्होंने सोचा, उन्होंने बोला हम तुमको हायर रेट देंगे बट तुम दे दो हमें, जैसे जापान के पास गए। लेकिन क्या हुआ कि जो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस था ना बैंक के ऊपर, क्योंकि बैंक की स्टेबिलिटी पूरी बिगड़ गई थी, तो बैंक को ऑलरेडी कहीं से पैसे दे नहीं पा रहा था, उसको सिर्फ बोरो ही करने पड़ रहे थे, तो उसकी जो रेप्यूटेशन थी ना वो पूरी गिर गई थी, तो बिकॉज ऑफ रेप्यूटेशन डैमेज नो वन वॉज रेडी टू गिव द मनी, ठीक है, नो वन वॉज रेडी टू पे। फिर पैनिक एंड विड्रॉल इन मई 1984, ठीक है, ये 1980 में तो कोलैबोरेट ही किया था, और 1984 में सब हो भी गया, ठीक है। कॉन्टिनेंटल फंडिंग डिफिकल्टी स्प्रेड, ठीक है, सिचुएशन और खराब होने लग गई, द बैंक्स रेप्यूटेशन सफर्ड फर्दर फर्दर, ठीक है, ऑलरेडी नीचे जा रही थी और रेप्यूटेशन एकदम खराब हो गई, ठीक है। दिस लेड टू अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग डिपॉजिटर्स, तो क्या हुआ, पहली बात तो अब जैसे सीआई है, ठीक है, तो सीआई किसी को लोन देता है तो किसी डिपॉजिटर से पैसे लेता भी तो होगा, हाँ हाँ या ना, बहुत सारे लोग अपने सेविंग्स अकाउंट रखते होंगे, करंट अकाउंट रखते होंगे, तो ये क्या, ये जो लोग होंगे ना, ये लोग बोलेंगे अरे बैंक पूरा डूब रहा है, चलो अपने जल्दी जल्दी पैसे निकाल लो, ठीक है। अब क्या, अगर मैंने आईसीआईसीआई के पास पैसे रख रखे, नॉर्मल मेरा सेविंग्स अकाउंट है, मुझे अच्छा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है क्वार्टरली, तो मैं क्या सोचती हूँ, ठीक है चलो मेरे पैसे सेफ जगह पड़े, लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक डूबने लगा तो क्या मैं रखूंगी पैसे आईसीआईसीआई के पास, नहीं रखूंगी ना, तो यहाँ पे भी डिपॉजिटर्स ने यही किया, उन्होंने उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था कॉन्टिनेंटल के पास डिपॉजिटर्स का, वो सारे डिपॉजिटर्स अपने पैसे निकालने लग गए, और ठीक है, देवर मैसिव विड्रॉल रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, अबाउट 20% ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इन जस्ट 10 डेज, सो जो 10 डेज में 20% लोगों ने पैसे वापस मांगने चालू कर दिया। अब मैंने क्या आईसीआईसीआई को पैसा दे रखा है, तो आईसीआईसीआई क्या करता होगा, वो पैसा कहीं इधर उधर लगा देता होगा, वैसे तो मैं रोज थोड़ी मैं जाके बोलूंगी अरे मुझे सारा पैसा विड्रॉ करना है, मैंने क्या रख दिया, तो मैं
नहीं बोलूंगी, वो यूज कर रहा होगा मेरे पैसे को, मुझे इंटरेस्ट मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो मेरा काम चल रहा है, उसका भी काम चल रहा है। बट एकदम से मैं जाके बोलूँ कल से, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 1,000 कस्टमर आईसीआईसीआई को बोले चलो वापस कर दो हमारा सारा पैसा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इनस्टेबिलिटी टू स्टेबलाइज द रैपिड आउटफ्लो ऑफ डिपॉजिट लेफ्ट कॉन्टिनेंटल अनेबल टू स्टेबलाइज। ठीक है, अब इतना पैसा निकाला है, कॉन्टिनेंटल लाए कहाँ से पैसा? ना तो फेड बैंक देने को ज्यादा रेडी है, ना तो सीडीज से कुछ ज्यादा पैसा आ रहा है, फॉरेन से कोई नहीं दे रहा, जिन लोगों ने दे रखे वो अपने पैसे निकाल रहे। तो देयर वॉज अ वेरी बैड लिक्विडिटी सिचुएशन, इसलिए लिक्विडिटी पोजिशन बहुत सफर हुई बैंक की, एंड इट बिकेम क्लियर दैट बैंक कुड नॉट मीट इट्स ऑब्लिगेशन, इट क्विकली मूव टूवर्ड्स फेलियर। अब इसको कैसे बचाया बैंक को? ठीक है, कोई कोई बैंक करप्ट हो जाते हैं, कोई कोई बैंक को बचा लेते, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ आखिरी में? ठीक है, दिस वॉज द सिचुएशन आफ्टर फेलियर। इसमें क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस फेलियर नेसेसिटेटेड द लार्जेस्ट बैंक रेस्क्यू एफर्ट। ठीक है, ये बैंक को बचाया तो सही, क्योंकि इतना बड़ा बैंक था, डूबने कैसे देते। तो लार्जेस्ट बैंक रेस्क्यू एफर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ फेडरल रिजर्व एट दैट टाइम। ठीक है, ये सबसे पहला बैंक ऐसा होगा जिसको इतना बचाया होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट बीच में आई एंड स्टेप टू स्टेबलाइज द बैंक एंड प्रिवेंट ब्रॉडर फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, उसने उन्होंने बचाया बैंक को, गवर्नमेंट ने आके बैंक को बचाया। कैसे बचाया, क्या बचाया, वो सब इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ होगा उसको स्टेबलाइज किया होगा। इलस्ट्रेटिंग सिस्टमैटिक रिस्क पोस्ड बाय लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये सिस्टमैटिक रिस्क क्यों थी, क्योंकि एक साथ सारे बोरोस ने डिफॉल्ट किया, एक साथ सारे बोरोस ने डिफॉल्ट किया तो इतनी बड़ी सिचुएशन हुई, और ये टू बिग टू फेल सिचुएशन थी। टू बिग टू फेल सिचुएशन मतलब क्या, कोई बड़े, जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ऐसे लॉसेस वॉसेस करता है ना, तो ऐसी सिचुएशंस को हम बोलते हैं टू बिग टू फेल। ठीक है, समझ में आया मेरी मेरी पूरी बात? समझ में, केस समझ में आया पूरा? एक बार पढ़ लो यहाँ ऊपर का, यहाँ पे बहुत छोटा सा दे रखा है कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस, मैंने इतना बड़ा समझाया, बट एक बार ये पढ़ लो 2 मिनट में, कुछ डाउट रहता है तो पूछना मेरे से। खैर यहाँ से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से ही पढ़ना, क्योंकि वहां से पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने यहाँ से एकदम अच्छे से समझाया है। यहाँ से पढ़ लो, पहले मैं इतना खोलती हूँ, इतनी पेज, इतना पेज खुला रखती हूँ, फिर आगे और 57 तक, यहाँ तक पढ़ लो, फिर मैं आगे का और दिखाती हूँ। समझ में आ रहा है ना सबको, सारी केस स्टडी क्लियर है ना? फिर क्योंकि वहां एग्जाम में जाके देखो, एग्जाम में वो लोग ये भी पूछ सकते कि कॉन्टिनेंटल इलिनॉइस पूरा डिस्ट्रॉय हुआ, फिर उसके बाद उसको कैसे बचाया, वो ये तक पूछेंगे। तो यू नीड टू राइट, वहां पे वो ऑप्शन होगा कि गवर्नमेंट ने बचाया, उनको सिस्टमेटिक रिस्क थी, तो वो सब डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे, ये गार्ड वाले कुछ भी पूछते हैं। हर्ष, हाउ आर यू टेकिंग द लेक्चर्स? कितना सिलेबस हुआ है अभी तक? May 25 में है ना एग्जाम, तो आप जितना कराए उतना तो कर लिया, जितना हम क्लास किया था। बाकी कॉन्स का यूट्यूब में वीडियोस अपलोडेड है, वो कर रहा है। यूट्यूब में अपलोडेड है? मतलब क्या यहाँ पे लेक्चर नहीं ले रहे क्या मैम? वो तो नवंबर के लिए ले रही है ना, हाँ तो अच्छा, उनका तो ऑलरेडी चालू हो गया था, तो हम तब तक ज्वाइन किया नहीं था। तो मे के लिए अभी नया लेंगे। मैं, सर ने ऐसे कुछ बोला है क्या? पता नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे, बट बोले कि यूट्यूब वाला कर लो ऐसे। ओके, अच्छा ठीक है, अभी इन लोगों को, नवंबर वालों को, तो क्योंकि टाइम कम बच रहा है ना, तो चैप्टर 7 और चैप्टर 11 मैंने बोला है कि खुद से करना है। 11 है ना आई थिंक, गार्ब कोड ऑफ कंडक्ट जो भी आखिरी,
वो मैंने इनको बोला है खुद से करना है, डाउट रहेगा तो पूछ लेना, और इनकी एक बार एग्जाम हो जाएगी तो मैं May 25 वालों को करवा दूंगी, ठीक है? क्योंकि मैं भी अभी 1 महीने पहले ही आई, मैं जितना कवर करवा पाई मैं तो मैंने करवाया है। चलो एक बार पढ़ो ये भी, या तो घर पे पढ़ लोगे क्या? मई के लिए वापस लाइव होगा 1 2 3 4, और मुझे तो कुछ बोला नहीं है, बट हाँ होगा ही अब, क्योंकि मैं हूं तो मैं करूंगी क्या फिर? मैं ऑपरेशनल रिस्क पढ़ाऊंगी Level 2 वालों को, बट ये आए Level 2 में फिर मैं इनको पढ़ाऊंगी ना, आएंगे तो वही तो की बात है, अभी आने में इनको जनवरी लगेगी। बट हाँ Level 1 में तो शायद पढ़ा दूंगी मैं एक बार और Book 1, घर पढ़ लेंगे। क्यों घर पे क्यों पढ़ोगे, मेरे से नहीं पढ़ोगे Level 2? Level 2 की जो सबसे बड़ी वाली बुक है ना, वो मैं ही कवर करवाने वाली हूँ। आगे पढ़ोगे? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा शिवम क्या बोल रहा है, बोल माइक खोल के बोलो, माइक खोल के। पढ़ो ये बस, अभी इतना ही पढ़ना है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न रॉक, ठीक है, नॉर्दर्न रॉक वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी अगेन। अब आगे जो भी केस स्टडीज है आज की क्लास में सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैंने लिख दिया केस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पढ़ लेना, ठीक है? मेरे को श्योर पता है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे उसमें से एटलीस्ट 2 या 3 तो आएंगे। फिर द केस ऑफ नॉर्दर्न रॉक क्लियरली प्रोवाइड्स अ क्लियर इलस्ट्रेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज इनहेरेंट इन सर्टन बैंकिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है? यहाँ भी बैंकिंग प्रैक्टिसेस है, लेकिन पहले क्या वहां पे बैंक लोन रीपे नहीं हुआ, ठीक है? लोन तो कोई रीपे कर ही नहीं रहा था 2007-09 में ना, सारे जिन जिन लोगों ने लोन लिया ना, सब पता नहीं क्या, मेरे को समझ में नहीं आया आज तक, बट जो भी बोरोवर्स थे ना, सबकी सबकी क्रेडिट क्वालिटी बेकार थी, तो सभी लोग लॉस कर रहे थे। तो जो मॉर्गेज बैक सिक्योर, जो भी इनके MBS थे ना, वो MBS भी सारे लॉस में जा रहे थे। तो ये सिचुएशन पूरी MBS पे, यहाँ पे पढ़ाती हूँ, यहाँ से पढ़ते हैं अपन, ठीक है? नॉर्दर्न रॉक वॉज अ यूके बेस्ड बैंक, ठीक है? यूके बेस्ड बैंक था दैट स्पेशलाइज इन मॉर्गेज लेंडिंग। मॉर्गेज लेंडिंग मतलब क्या? पूल ऑफ लोन्स बना के दे वर सेलिंग टू इन्वेस्टर्स एंड चार्जिंग द फीस, ठीक है? एक साथ बहुत सारे लोन्स बनाते थे, उसको बेचते थे इन्वेस्टर्स को, और ये पूल बनते थे बहुत सारे बोरोवर्स से, जो बोरोवर्स डिफॉल्ट करने वाले, क्योंकि ये डिफॉल्ट करेंगे तो ही तो नॉर्दर्न रॉक फंसेगा, इनके कोलैटरल की वैल्यू नीचे जाने वाली है। लीडिंग अप टू 2007-09 फाइनेंशियल क्राइसिस इट एक्सपीरियंस रैपिड एसेट ग्रोथ, ठीक है? जब तक रैपिड एसेट ग्रोथ चल रही थी ना, तब तक ये लोग की कोलेटरल की वैल्यू बढ़ रही थी, ठीक है? और जब तक कोलेटरल की वैल्यू बढ़ रही थी ना, तब तक बोरोअर्स वर एबल टू रीपे द मनी विथ इंटरेस्ट, ठीक है? दे वर एबल टू रीपे द मनी विथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, एवरीथिंग वॉज गोइंग ओके, जब तक द एसेट प्राइसेस वर ग्रोइंग, बट द डे हाउस की प्राइसेस स्टार्टेड टू फेल, सब सब कुछ तब खराब हुआ, ठीक है? अभी जब तक एसेट्स वर ग्रोइंग विथ लोन्स इंक्रीजिंग एट एन एनुअल रेट अबाउट 20%, ठीक है? हर बैंक के पास 20% से लोन्स इंक्रीज हो रहे थे। लोन में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, लोन में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, मैंने अभी एक दिन बताया तो था, कल ही बताया ना। देखो जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं ना, ये बड़े बड़े बैंक्स क्या करते हैं, ये ना
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे पैसे बोरो करते, ठीक है, एक साथ बहुत सारे पैसे बोरो करते फॉर शॉर्ट टर्म. अब ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसे बोरो करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लोन पे देते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन पे देते हैं. यहाँ पे ये लोग क्या करते, कम इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, यहाँ पे ये लोग ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं. तो ये जो इंटरेस्ट रेट का जो गैप होता है ना, ये इनकी प्रॉफिट होती है, ठीक है, ये इनका प्रॉफिट होता है. लेकिन ये क्या करेंगे, एक साथ बैंक को बोलेंगे चलो हमको डॉलर 500 बिलियन मिलियन का लोन दे दो. अब क्या करेंगे, 500 मिलियन के ये लोग एक साथ बहुत लोन तो से ऑलमोस्ट अलग अलग लोन बनाएंगे, 500 लोन्स बना देंगे, ठीक है, और फिर 500 लोन्स का पूल बना के इन्वेस्टर को देंगे. और इससे जो इनको इंटरेस्ट रेट का प्रॉफिट होगा ना, उसका कुछ पोर्शन इन्वेस्टर्स को देंगे. लेकिन जब ये सारे बोरोवर्स डिफॉल्ट करेंगे और इनके कोलेटरल की वैल्यू नीचे आएगी, और ये जो कोलेटरल देते हैं ना, ये कोलेटरल ये लोग एफआई को दे देते हैं कि तुम रखो, कभी कुछ होगा तो तुम बेच देना और पैसे ले लेना. समझ में आया कैसे चलता है पूरे, कैसे पूरी सिचुएशन चलती है. हाँ हर्ष, तो ये एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी एंड वाज लार्जली ड्रिवन बाय इट्स फोकस ऑन द ओटीडी मॉडल. ये जो सिचुएशन होती है ना, इसको अपन बोलते हैं ओटीडी मॉडल, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं ओटीडी मॉडल. अब ओटीडी मॉडल क्या, ओरिजिनेट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडल में क्या होता है, मैंने यही बताया, ठीक है. बैंक वुड सोर्स लोन्स, एक साथ 100 लोन बना दिए, देन पैकेज देम इनटू सिक्योरिटीज एंड सेल दो सिक्योरिटाइज प्रोडक्ट टू इन्वेस्टर्स. इट अलाउड नॉर्दर्न रॉक टू फ्री अप कैपिटल एंड कंटिन्यू ओरिजिनेटिंग न्यू लोन्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रैपिड एक्सपेंशन. पूरा केस समझ में आया, इट्स इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू लीमन ब्रदर्स. फिर फंडिंग स्ट्रेटेजी, हाउ आर दे ब्रिंगिंग द मनी, ठीक है. अब अगर नॉर्दर्न रॉक किसी को लोन दे रहा है तो हाउ आर दे ब्रिंगिंग इन मनी, तो उसकी उसमें ये लोग क्या करते थे, दे वर रिलाइंग ऑन शॉर्ट टर्म फंडिंग, ठीक है. शॉर्ट टर्म फंडिंग मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से थोड़े टाइम के लिए पैसा लेते थे, कोलेटरल दे देते थे, और फिर उसके बाद कोलेटरल पार्क करके रखते थे वहां पे. हर थोड़े थोड़े टाइम में पैसा लेते थे, इंटरेस्ट देते थे हल्का फुल्का, और ये सिचुएशन उनकी चलती ही रहती थी. नॉर्दर्न रॉक प्राइमरली फंडेड इट्स ऑपरेशंस थ्रू बोरोइंग इन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट्स, ठीक है. शॉर्ट टर्म के लिए दे यूज टू बोरो मनी फॉर शॉर्ट टर्म. दिस इंक्लूडेड सिक्योरिटाइजेशन एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. अब तो इसके अंदर ये लोग क्या ओटीडी मॉडल चलाते थे, और जो थोड़ा बहुत भी इनको जो इंटरेस्ट से प्रॉफिट प्रॉफिट बनाते थे, वो ये लोग इन्वेस्टर्स को पास ऑन करते थे, ठीक है. इधर इसमें क्या होता था, इधर ये लोग कम इंटरेस्ट रेट पे करते थे, जब इसका लोन देते थे तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता था. तो इसके जो डिफरेंस का जो प्रॉफिट ये लोग बना रहे थे ना, ये प्रॉफिट ये लोग खुद रख लेते थे, और प्रॉफिट का कुछ अराउंड 1% जितना इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर देते होंगे. हाँ ठीक है, इन्वेस्टर्स को देते होंगे. एंड ये इन्वेस्टर्स किसके, ओटीडी मॉडल के. समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन है, बहुत हैवी हो रहा है तो बोल देना मुझे. वैसे पढ़ाना तो मैं बंद नहीं करने वाली, बट मैं फिर भी पूछ रही हूँ. बोलो शिवम. ये बस वापिस बता दो ना सर। बताती हूँ, देखो व्हाट दे वर डूइंग वाज, ये क्या करते थे, शॉर्ट टर्म के लिए मनी बोरो करते थे, ठीक है, जैसे कि अपन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते, ठीक है, फॉर लो इंटरेस्ट रेट. और इससे बहुत सारे लोन जनरेट करते थे, समझो 100 लोन्स जनरेट करते थे, और ये 100 लोन्स का पूल बना के इन्वेस्टर्स को बेचते थे, ठीक है, 100 लोन्स का पूल बना के. और ये जो 100 लोन्स थे ना, इसके इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता था, एंड इट वाज फॉर लॉन्ग टर्म. समझ में आई सिचुएशन.
और ये जो जो प्रॉफिट होता था ना, प्रॉफिट इनको होता था इंटरेस्ट रेट की गैप का। आया समझ में? दिस इंक्लूडेड सिक्योरिटाइजेशन एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच अलाउड द बैंक टू एक्सेस डाइवर्स रेंज ऑफ फंडिंग सोर्सेस। ठीक है, अब इनको क्या पैसे तो मिलते थे, पैसे तो मिलेंगे क्योंकि बड़ा बैंक के तो पैसे तो सब देते थे, यूएस, यूरोप, एशिया, हर जगह से पैसे आते थे इनके पास। क्योंकि यार पैसा इकट्ठा करने का ये मैं एक तुमको तरीका बता रही हूँ कि एफआई है, लेकिन एफआई के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे सीडीज हमने ऊपर देखा, अभी ये क्या नहीं, सब इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक तुम्हें आए नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम पैसे ले सकते हैं, तो उसकी वजह से ये लोग बहुत पैसे निकाल लेते थे और उससे वो सब छोटे छोटे कम कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे बोरो करते थे और फिर उनको लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोगों को देते थे। लेकिन उनको ये जो जिसको लोन दे रहे थे ना, उनकी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जिसको लोन दे रहे थे ना, दे वर नॉट चेकिंग कि जिसको लोन दे रहे आर दे हैविंग गुड क्रेडिट क्वालिटी और नॉट, क्योंकि उनकी क्वालिटी खराब थी। दैट वॉज द थिंग जिसकी वजह से ये पूरा सिचुएशन हुई है 2007-09 की। ओके, बींग बेस्ड इन यूके नॉर्दर्न रॉक दैट हैड द एबिलिटी टू टैप इन टू ग्लोबल फंडिंग मार्केट विच इनिशियली प्रोवाइडेड एम्पल लिक्विडिटी टू सपोर्ट इट्स लेंडिंग एक्टिविटी। अब ये क्या ये यूके का बैंक था एंड अच्छा बड़ा बैंक था, तो इसको कहीं से भी, हाँ लाइक अरे एसेंडल वॉज नॉट अ बैंक, एसेंडल वॉज नॉट अ बैंक, ठीक है, वो सेविंग्स और लोन के बैंक होते हैं। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एसेंडल, ठीक है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ एसेंडल। तो फिर ये लोग क्या करते थे, ये लोग अच्छे बड़े बड़े लोन, मतलब इनको क्या कोई भी पैसा देता था, क्योंकि कोई बड़ा बैंक है तो उनको देगा ही, ऑफकोर्स आरबीआई पैसा देगा, गवर्नमेंट पैसा, जिसको भी पैसा, जो भी जिससे ही मांगेगा वो लोग उसे पैसा देंगे, क्योंकि उनको लगता है बड़ा बड़ा बैंक के लोन तो रिपे कर देगा, इसलिए उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दिक्कत तब आई यहाँ पे देखो, जब डिफॉल्ट रेट्स राइज होने लग गए, ठीक है, इन अर्ली 2007 राइजिंग डिफॉल्ट रेट्स इन ऑन यूएस सबप्राइम मॉर्गेज बिगैन टू अफेक्ट द ब्रॉडर मार्केट फॉर सिक्योरिटाइज मॉर्गेजेस। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो 100 लोन्स का पूल था ना हमारा, इससे पैसे आने बंद हो गए। ठीक है, इधर से बोरोअर स्टार्टेड टू डिफॉल्ट। एंड कोलैटरल की वैल्यू स्टार्टेड टू डिक्रीज। ये सिचुएशन हुई तो बैंक को पैसे मिलने बंद हो गए। ठीक है, अब बैंक को अगर पैसे मिलने बंद हो गए, बोरोअर्स आर नॉट पेइंग बैक इंटरेस्ट, हाउ विल दे गिव मनी टू एफआईज? तो वो जिन जिन लोगों से नॉर्दर्न रॉक ने बोरो कर रखा था, वो उनको पैसे नहीं दे पा रहा था। समझ में आ रही है सिचुएशन हर्ष, रोहित, आ रही है समझ में सिचुएशन? तो ये बात थी, ठीक है, इसलिए देयर वाज अ वेरी, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, सिक्योरिटी स्टार्टेड टू फ्रीज, इंपैक्टिंग द एबिलिटी ऑफ बैंक्स इंक्लूडिंग नॉर्दर्न रॉक टू सेल सिक्योरिटी लोन्स। अब क्या हुआ, इनके लोन चल तो नहीं रहे थे, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, 100 के 100 लोन जो कोलेटरल थे ना, सारे कोलेटरल बेच दिए। ठीक है, सोल्ड एट अ लॉस, ठीक है, वो भी इनके लॉस में बिके, पर अब इनको थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए ना। फिर यहाँ से जो मनी आया ना, ये मनी इन लोगों ने, जहां से इन लोगों ने बोरो किए थे, वो सब लोगों को बोरो करके मनी वापस से वापस रिटर्न करे, बट स्टिल देवर इन लॉस, क्योंकि उनको रिकवर तो हो ही नहीं रहा था कुछ भी पैसा ज्यादा। आयरनिकली जस्ट बिफोर द क्राइसिस एस्केलेटेड, ब्रिटिश रेगुलेटर्स ग्रांटेड नॉर्दर्न रॉक अ बेसल टू वेवर। ठीक है, बेसल टू वेवर मतलब क्या, कुछ होगा टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल, जिसके अंदर कैपिटल एक होता है कि बैंक को इतना कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है, इस जब जब जैसे ये 2007 आने वाला था ना, तो समझो 2006 में, अरे यार हाँ, 2006 में गवर्नमेंट ने बोला नॉर्दर्न रॉक को कि लेट इट बी, डोंट कीप कैपिटल, डोंट कीप एनी बफर कैपिटल
एज पर बेसिल टू, ठीक है? तो अगर रेगुलेटर नहीं मना कर दे कि हाँ भाई कोई जरूरत नहीं है, जाने दो, पैसे मत रखो, तो कौन सा बैंक रखेगा? इट वॉज अ रेगुलेटरी थिंग, तो ही हम रखते, ठीक है? अब उन्होंने ही मना कर दिया, बैंक को भी इतना कुछ दिमाग नहीं चल रहा कि अरे आगे ऐसा कुछ हो पाएगा, तो उसको कुछ कैपिटल रखने की नीड नहीं हुई, ठीक है? तो अब बैंक के जो शेयर होल्डर्स थे ना, बैंक ने बोला चलो अब पैसे तो बच रहे, मेरे पास प्रॉफिट अच्छा खासा है मेरा, मेरे को कुछ भी कैपिटल बचाने की जरूरत नहीं है. तो उसने क्या किया, उसने अपने शेयर होल्डर्स को खुश होने के लिए बैंक इंक्रीज द डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है? दिस डिसीजन मे हैव सिग्नल्ड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. अब क्या शेयर होल्डर्स को लगा कि अरे वी आर वेरी मच सिक्योर, और जब मार्केट में देखेंगे कि कोई बैंक इतना ज्यादा डिविडेंड वगैरह देख रहा है, तो और शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होंगे, और लोगों ने आके बैंक के शेयर्स वगैरह ले लिए होंगे. बट ये पूरी सिचुएशन की वजह से सबसे ज्यादा लॉस व्हेन 2007 में ये क्राइसिस हुआ, ठीक है? 2007 में एवरीथिंग फेल डाउन, और ये सब जो भी चीजें थी ना, कैपिटल नहीं बचाना, अगर कैपिटल पड़ा होता तो हम थोड़ा बहुत खुद को बचा लेते, ठीक है? तो सब कुछ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज नेगेटिव, ठीक है? एवरीथिंग वॉज नेगेटिव, नथिंग वॉज फेवरिंग द बैंक. गॉट माई पॉइंट? समझ में आई बात? अरे मुझे हाँ या ना तो बोलो. पूरा पूरा क्लियर है ना? एकदम कुछ भी चीज में डाउट नहीं है. अब क्या हुआ, जब ये सब सिचुएशन हुई ना, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आके इंटरवीन किया. इन लोगों ने इंटरनल डिसीजन किया कि अब ये भी बहुत बड़ा बैंक था, जैसे कॉन्टिनेंटल इलिनियस बड़ा बैंक है, वैसे ये भी बड़ा बैंक है, इसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा. तो अब जो जो ऐसे बड़े बैंक होते हैं मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको बचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब कल को जाके एचडीएफसी बैंक डूब गया, तो गवर्नमेंट बोलेगी क्या डूबने दो, चल रहा है जो हो रहा है, नहीं होगा ऐसा. दे विल नीड टू, मतलब चलो एचडीएफसी भी नहीं, एसबीआई डूब गया, तो एसबीआई को डूबने देंगे क्या? नहीं डूबने देंगे, एसबीआई को बचाएगा, ऑफकोर्स गवर्नमेंट बचाएगी, क्योंकि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, ये सब अपने मेन बैंक है, इनको डूबने नहीं देंगे कभी भी. तो एज द सीवियरिटी ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस बिकेम अपेरेंट, ठीक है, जब सबको दिखने लग गया कि अरे ये तो बहुत बड़ा, बहुत कुछ हो रहा है, तो फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रिकॉग्नाइज किया था दे नीड टू सपोर्ट नॉर्दर्न रॉक टू प्रिवेंट द ब्रॉडर सिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क थी यहाँ पे भी, क्योंकि बोरोअर्स ने सबने डिफॉल्ट किया, एंड ये सब केस जो भी 2007-9 के, इट्स मोस्टली ऑन सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि बोरोअर्स आर डिफॉल्टिंग, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है. इट इंटरनली डिसाइडेड टू प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट टू द ट्रबल्ड बैंक. तो फिर अब वैसे भी कोई भी इस बैंक को, नॉर्दर्न रॉक को पैसे तो देने के लिए तैयार था नहीं, बट गवर्नमेंट ने सोचा बचा लेते, नहीं तो अपनी इकोनॉमी खराब होगी. तो गवर्नमेंट ने बोला चलो हम थोड़ा सा पैसा देंगे, लिक्विडिटी सपोर्ट देंगे, जिससे बैंक बच जाए. लेकिन इसके बाद भी कुछ हुआ, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. इसमें क्या, जब तक ये इंटरनल डिस्कशन चल रहे थे ना, तब तक मार्केट में किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा कुछ हो रहा है, तब तक बातों को थोड़ा दबा के रखा था, लेकिन किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली न्यूज ऑफ दिस सपोर्ट लीक्ड, जब ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सोचा था कि मैं इसे बचाऊंगा बैंक को, तो ये न्यूज पता नहीं किसने पूरे पूरी पब्लिक को रिवील कर दी, ठीक है? अब ये नहीं पता किसने करी, बट की होगी किसी ने, हर जगह पैसे दो तीन चापलूस लोग तो होते ही है, ठीक है? दे हैव टू रिवील इट टू समवन, तो फिर होगा कोई वहां पे भी ऐसा. उसने सब कुछ जाके बता दिया पब्लिक को, ठीक है? और पब्लिक को जैसे ही पता चला, नॉर्दर्न रॉक के पास जितने भी डिपॉजिटर होंगे, सब लोगों ने अपने विड्रॉ कर लिए डिपॉजिट्स, फियरिंग द बैंक स्टेबिलिटी. और फिर जब ये सब हुआ, तब तक क्या हुआ, जब तक बात किसी को पता नहीं थी, तब तक नो वन वॉज विड्रॉइंग, बट जैसे ही सबको पता चली, सब आए भागे भागे, अरे पैसा निकालो, पैसा निकालो, पैसा निकालो, एंड देन द बैंक रन हैपेंड, ठीक है? सिचुएशन क्लियर है पूरी? तो ये याद रखना, ठीक है? बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो हेल्प करने की कोशिश करी थी, बट देयर वाज सम पर्सन जिसने आके लीक कर दी सारी इंफॉर्मेशन, एंड पब्लिक को सब बता दिया. एंड पब्लिक को जैसे ही पता चला, आफ्टर दैट दे रश्ड कि अरे नाउ वी नीड टू विड्रॉ द डिपॉजिट्स. सो दिस इज द थिंग. फिर रेगुलेटरी रिस्पॉन्स एंड पब्लिक ओनरशिप.
एट द टाइम ऑफ क्राइसिस ब्रिटिश लॉ प्रोवाइडेड लिमिटेड गारंटीज फॉर बैंक डिपॉजिट्स, फिर 2000 पाउंड जनरली गारंटी, ठीक है। अब ये इतना आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट है, ये गारंटी होती थी ठीक है गवर्नमेंट की। क्या हुआ यहाँ पे, क्या चल रहा है? ही इज रोहित। किसको बोला रोहित, क्यों बोला तुम लोगों ने? अभी तो मैंने कोई बोरोवर की बात भी नहीं की। इन्फॉर्मेशन रोहित लीक किया। हाँ क्या रोहित ने इन्फॉर्मेशन लीक किया? yes. वाई विल रोहित लीक? रोहित ही तो सबसे बड़ा वो है कल्प्रिट। चलो लेट इट पर बी, कल्पित और चापलूस दोनों है। ठीक है चलो हो गया। वी डोंट मेक फन इतना। वो आएगा नहीं कल से मेरी क्लास में, ठीक है। ये इतना, ये क्या है, डिपॉजिट की गारंटीज दे देते थे ठीक है। कि अब जैसे कोई भी बैंक ने ना, क्योंकि अब ये सब होने लगा ना, तो उसके बाद ब्रिटिश लॉ ने बोला कि आप डिपॉजिट करोगे ना तो आपके पैसे सेफ रहेंगे, ये वो गारंटी देने लगे थे ठीक है। बट ये इतना कुछ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नहीं इतना इम्पोर्टेंट। और फिर बैंक रन इजेस में क्या हुआ, गारंटी हेल्प टू रिस्टोर सम कॉन्फिडेंस एंड, ये इतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं ठीक है, जस्ट डोंट रीड इट। कंक्लूजन पढ़ लेते हैं ठीक है। द नॉर्दर्न रॉक केस हाईलाइट सेवरल की लेसन्स, ठीक है। क्या इम्पोर्टेंट लेसन्स है, ये इम्पोर्टेंट है, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। इसमें क्या हुआ, वल्नरेबिलिटीज ऑफ हाई ग्रोथ मॉडल्स, एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पर्टिकुलरली व्हेन फंडेड थ्रू शॉर्ट टर्म बोरोइंग कैन लीड टू सिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है। अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो पहले चेक कर लो, ऐसे ही यू डोंट बिलीव ऑन एनीवन एंड गिव द लोन, ठीक है। दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू टेल टेल, क्योंकि मार्केट सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, और वेन दे विल चेंज तब आर यू रेडी टू लाइक टू बी इन मार्केट, या फिर जब इतनी मार्केट कंडीशन वर्स हो जाएगी तो योर बिजनेस विल ऑल्सो बिकम वर्स, तो यू नीड टू चेक इट। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये तो 2007-09 में था ही नहीं, 2007-09 के लोगों को पता ही नहीं था दैट हाउ टू मैनेज द रिस्क, इसलिए उनको इतनी रिस्क लग रही थी। तो रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नीड फॉर रेगुलेटरी प्रिपेयरनेस, इसमें क्या हुआ था, बेसिल टू के लिए मना कर दिया, बट हूएवर हैज डन दिस गवर्नमेंट का, इट वाज अ वेरी बैड डिसीजन, ठीक है। यू कांट सी, मतलब मैं कल को जाके ऐसा नहीं बोल सकती किसी भी अच्छे बैंक को कि अरे तुम तो अच्छे चल रहे हो, अब तुम्हें पैसा रखने की जरूरत नहीं है। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है एंड हर बैंक को उसे फॉलो करना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब एक बार रीड कर लो ये पूरा केस, बुक में तो छोटा ही लिखा ये केस भी, इतना कुछ बड़ा ये लोगों ने लिखा नहीं है, मैंने जितना बड़ा बनाया है। कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट बताओ ना। कंक्लूजन क्या का फर्स्ट पॉइंट कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट, वल्नरेबिलिटीज ऑफ हाई ग्रोथ मॉडल्स, एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजीज पर्टिकुलरली व्हेन फंडेड थ्रू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कैन लीड टू सिग्निफिकेंट रिस्क स्पेशली व्हेन मार्केट कंडीशन चेंज। हाँ, इसमें लोगों ने ये बोला है, जैसे मैं क्या कर रही थी, मैं FI से कंटिन्यू पैसे ले रही थी ठीक है, और अच्छे बड़े बड़े अमाउंट में पैसे ले रही थी ठीक है, मैं बैंक हूँ नॉर्दर्न रॉक। और मेरे को क्या लग रहा था कि मैं ये जो नया मॉडल बना के, ये तब ना MBS वॉज अ न्यू मॉडल एट दैट टाइम, उनको लग रहा था कि ये जो मेरा नया OTD मॉडल चल रहा है ना, OTD मॉडल नाम रखते थे इसका, तो ये OTD मॉडल इज परफेक्ट ठीक है, 100% सक्सेस है इसकी। लेकिन हम ये लेके किसी भी बैंक से इतना पैसा बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है ना, फिर हम मुझे तो रिस्क देगा ये, इनको भी रिस्क दे रहा है ना। तो दैट इज वॉट दे आर ट्राइंग टू टेल, कि यू शुड नॉट ट्रस्ट एनीथिंग सो इजीली कि आप उसमें इतना पैसा लगा दो, पहले आप खुद चेक करो अच्छे से, उसे थोड़े साल चलाओ, देन धीरे धीरे ट्रस्ट करो। एंड इवन इफ यू आर ट्रस्टिंग, यू शुड हैव योर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इनसाइड। जैसे कैपिटल उन लोगों ने रखा ही नहीं, कैपिटल रखते तो आई थिंक लॉस रिकवर होता, एटलीस्ट कुछ हद तक तो होता। दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू टेल। अब एक बार पढ़ो नॉर्दर्न रॉक, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ रोहित बोलो। इतना ही था क्या नॉर्दर्न रॉक? हाँ इतना ही है, इतना ही क्या, इतना बड़ा केस तो था।
अपन ने वो एक 5 बजे कहानी पढ़ी थी। चालू किया, 5:22 पे खत्म हुआ, लेकिन सब केस ऐसे ही है, ठीक है। अब MGRM हल्का सा डिफरेंट है, बट वो मैंने सिखा दिया है, तो दैट्स समथिंग। उसमें वो भी था ना, वो नॉर्दर्न रॉक वो स्प्लिट हुआ था, कुछ बैंक स्प्लिट हुआ था। बैंक स्प्लिट हुआ था नॉर्दर्न रॉक। हाँ ये रहा, ये वाला पॉइंट ना मैंने नहीं कवर नहीं करवाया जानबूझ के, ठीक है। चलो अभी बोल रहे हो तो मैं ये कवर करवा देती हूँ। इसमें क्या है, डिपॉजिट गारंटीज। इसमें एट द टाइम ऑफ क्राइसिस ब्रिटिश लॉ ने क्या किया, जब ये 2007-09 का क्राइसिस हुआ ना, तो व्हाट ब्रिटिश लॉ टोल्ड दैट लिमिटेड गारंटीज फॉर बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है। बैंक डिपॉजिट थी ना, उसकी लिमिटेड गारंटी देंगे, पूरी गारंटी नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे ये $2,000 है, तो 2,000 पाउंड है, फुली गारंटीड देंगे, ठीक है। इतना इतने अमाउंट है ना, तो इसकी हम पूरी गारंटी देंगे। फिर इसके ऊपर विद एन एडिशनल 90% गारंटी फॉर अमाउंट्स अप टू, अगर इस अमाउंट तक है ना, ये अमाउंट क्या है ना, तुम लोग याद नहीं रख पाओगे, इसलिए मैंने मना किया। इतने अमाउंट तक 90% गारंटी लेगा बैंक, ठीक है। और कोई पूछेगा भी नहीं एग्जाम में कि कितनी गारंटी थी, इसलिए मैंने ये लोन नहीं करवाया। बट ठीक है, अभी ये जो 33,000 है ना, इसकी इतनी गारंटी थी। यार मेरे को ये साइन बनाने में बहुत दिक्कत आती है पाउंड की, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। इसकी 90% गारंटी थी, इसकी 100% गारंटी देता था ब्रिटिश लॉ कि इसकी ये पैसे आपके इतने रहेंगे हर बार, ठीक है। और फिर टू क्वेल द पैनिक रेगुलेटर्स अनाउंस दैट दे वुड गारंटी 100% ऑफ ऑल डिपॉजिट। अब क्या नॉर्दर्न रॉक को इतनी दिक्कत आ गई थी, तो ब्रिटिश लॉ ने ऐसा बोला कि नॉर्दर्न रॉक में जितने भी डिपॉजिटर्स थे ना, उनको हम 100% सिक्योरिटी देंगे, उनके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, जिससे वो विड्रॉ ना करे। बट एनीवेज दे वर विड्रॉइंग इट। फिर क्या हुआ, बैंक रनीजेस में जो ये गारंटी थी ना, इन लोगों ने 100% कि आपके पैसे बचेंगे, तो कुछ लोगों ने तो ट्रस्ट किया होगा और उन्होंने अपने पैसे नहीं निकाले होंगे, तो इसको बैंक रन को ईज करने के लिए दे ट्राइड दिस। बट क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं था, तो इनकी जो पब्लिक ओनरशिप थी ना, अल्टीमेटली नॉर्दर्न रॉक ने क्या किया, नॉर्दर्न रॉक वॉज नेशनलाइज, ट्रांसफरिंग इट्स ओनरशिप टू गवर्नमेंट। इसकी ओनरशिप वॉज ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट, ठीक है। नथिंग एल्स हो गया, हो गया या नहीं हुआ, समझ में आया। अभी एक बार रीड कर लो, 5:30 तक का टाइम देती हूँ, फिर वापस से चालू करेंगे। मैं भी आती हूँ 1 मिनट में। क्या आगे, क्या आगे चले, आगे
आगे पढ़ा हूँ आज तो, आज रोहित एकदम स्पीड में, क्योंकि रोहित क्या शिवम को जाना है ना बाहर, इसलिए इज इन कंप्लीट की जल्दी जल्दी कराओ द लेसन लर्न. ठीक है, अभी तक अपन ने जो 3 केसेस सीखे ना, इससे हमने क्या क्या लेसन लर्न किए, हम यहाँ पे वो चीजें सीखेंगे. ठीक है, हियर इज अ डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स, ऑफ ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व इन एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट एंड द यूज ऑफ इमरजेंसी लिक्विडिटी एक्सेस. ठीक है, अभी ये जो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट है वो कैसे करा है, ये सब केसेस हुए ना, इसके बाद हमने समझा है. ठीक है, एक ही मिनट, समझ में आई मेरी बात? चलो, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग. अगर हम स्ट्रेस टेस्टिंग करते तो हम कैसे बच पाते, अगर स्ट्रेस टेस्टिंग करते ना तो हम लोगों को पता होता कि अगर ये सिचुएशन होती ना तो हम कैसे हैंडल करते, लेकिन तब क्या कोई करता नहीं था ये सब. फॉलोइंग द फाइनेंशियल क्राइसिस द फेडरल रिजर्व मैंडेटेड रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग. ठीक है, अब ये सब सिचुएशन हुई ना, उसके बाद फेडरल रिजर्व ने बोला कि जो भी ये बड़े बड़े यूएस बेस्ड बैंक है ना, सबको स्ट्रेस टेस्टिंग करनी इज कंपल्सरी. द रिक्वायरमेंट एम टू एंश्योर दैट बैंक कुड विदस्टैंड इकोनॉमिक शॉक्स एंड मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी अंडर वेरियस एडवर्स सिनेरियोस. ठीक है, द बैंक वॉज स्प्लिट इन टू टू पार्ट्स. ये रोहित, मैं इसको लेती हूँ ठीक है बाद में. ये कहाँ से निकाला है पैराग्राफ, बुक का है क्या? अरे भाई चैट जीपीटी, चलो भाई इतने से चैट जीपीटी से एक इन कॉपी पेस्ट. रोहित आगे मैं बताती हूँ, बुक में जो लिखा था मैंने उतना कराया है, इतना याद रख लूँ, इसके आगे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वो गार्प वालों ने भी इतना ही लिखा है. ठीक है, चले आगे. अरे बट लेट मी कंप्लीट इट, फिर मैं आगे आगे करा लूंगी ये वाला. चले आगे, हाँ ना, कुछ रिवर्ट ही नहीं देना है किसी को भी. हाँ ठीक है, चलो चलो. देखो शिवम को जाना है 6 बजे, मैं पहले ही सबको बता रही हूँ, इसलिए मैं आज जल्दी करा रही हूँ. फिर इसके बाद मैं ये नॉर्दर्न रॉक का ना, जब शिवम चले जाएगा तो अपन डिस्कशन कर लेंगे. ओके नहीं, शिवम ALM करके क्लास एंड नहीं होगी. ठीक है, आज MGRM होगा, उसके बाद ही क्लास एंड होगी, मैं करा रही हूँ, फटाफट कर लो, अदरवाइज चैप्टर खत्म नहीं होगा. मेरे को 25th तक टारगेट है मेरा कि मुझे चैप्टर खत्म करना है. चलो फिर, लिक्विडिटी रिस्क मिटिगेशन के लिए व्हाट दे वर डूइंग, स्ट्रेस टेस्टिंग एनकरेजेस बैंक टू असेस देयर लिक्विडिटी रिस्क एक्सपोजर एंड डेवलप स्ट्रेटेजीज फॉर मिटिगेशन. ठीक है, हाँ तुम्हारे लिए 25th तक टाइम है, लेकिन 23rd को मेरा भी एक टेस्ट है, बीच में शायद एक दिन कोई क्लास भी मिस हो सकती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ. स्ट्रेस टेस्टिंग एनकरेजेस बैंक टू असेस देयर लिक्विडिटी रिस्क एक्सपोजर. ठीक है, अगर वो स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे तो उनको पता रहेगा कि आगे मुझे कितने पैसे की नीड रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पे दे आर टेलिंग दैट ओनली कि स्ट्रेस टेस्टिंग करने से लिक्विडिटी रिस्क एक्सपोजर होगा और जो भी स्ट्रेटेजीज है वो सब पता चलेगी. फिर 4 और 10 कब होगा? 10 कौन सा चैप्टर है? ये 9 है, 10 हो जाएगा, 4 और 10 करा दूंगी मैं. अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना 25th तक खत्म कराना, मैं करा दूंगी. तुम लोग बस आते रहना क्लास में, ठीक है, कभी 2 घंटे, मैं एक दिन 4 घंटे की क्लास ले लूंगी तो हो जाएगा सब. चलो ALM, चलो 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 ALM.
नेक्स्ट टॉपिक अपना एएलएम का ओवरव्यू क्या है. एएलएम इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच यूज्ड बाय बैंक्स टू मैनेज द रिस्क दैट अराइज फ्रॉम मिसमैचेस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज. ठीक है, ये क्या कर रहे थे, एसेट और लायबिलिटी का ड्यूरेशन मैच नहीं हो रहे थे. ठीक है, देयर वाज अ मिसमैच बिटवीन बोथ ऑफ देयर ड्यूरेशन. अगर वो मैच होता ना तो कभी ये सब होता नहीं. लेकिन अब क्या है, ये लोग क्या करते थे, कम टाइम के लिए मनी बोरो करते थे. ठीक है, बोरो फॉर शॉर्ट टर्म, लेंड फॉर लॉन्ग टर्म. ये एकदम खराब स्ट्रेटेजी थी. ठीक है, पुअर स्ट्रेटेजी, इसकी वजह से बहुत लॉसेस हुए. अगर ये स्ट्रेटेजी नहीं होती ना तो कुछ ना कुछ सेव कर लेते हम लोग. फिर दिस इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट बैंक कैन मीट इट्स ऑब्लिगेशन वाइल ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी. अभी की ट्रेड ऑफ क्या है, पहला तो है लिक्विडिटी वर्सेस इंटरेस्ट रेट रिस्क. ये दोनों रिस्क थी, इंटरेस्ट रेट रिस्क हमने पढ़ी और लिक्विडिटी रिस्क भी हमने पढ़ी. तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमाइज कैसे करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क को. बैंक कैन रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क बाय मैचिंग द ड्यूरेशन ऑफ देयर लाइबिलिटीज एंड असेट्स. ओके, ये बहुत इजी है, यहाँ पे सब कुछ बहुत इजी है. हाँ ना बोलो तो मैं आगे आके बढ़ूंगी जल्दी. फिर दिस टिपिकली मीन्स फंडिंग लॉन्गर टर्म असेट्स विथ शॉर्टर टर्म लाइबिलिटीज. इसका क्या मतलब हुआ, सॉरी मैंने गलत बोला. दिस टिपिकली मीन्स फंडिंग लॉन्ग टर्म असेट्स विद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. ओके, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम शॉर्ट टर्म में असेट लाओगे, लॉन्ग टर्म में लाइबिलिटी करोगे, या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी करोगे लॉन्ग टर्म असेट करोगे. दिस इज नॉट फेयर. यू नीड टू हैव बोथ लॉन्ग टर्म और यू नीड टू डू बोथ ऑफ देम, लाइक यू नीड टू डू बोथ शॉर्ट टर्म. ठीक है, तो यू नीड टू मैच द ड्यूरेशन ऑफ बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. फिर इंक्रीज लिक्विडिटी रिस्क. व्हाई वाज देयर अ इंक्रीज लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि ये लोगों के पास जो कोलेटरल था ये लोग दे वर नॉट एबल टू सेल इट, एंड जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा ले नहीं पा रहे थे. क्यों था ये भी, इसका भी रीजन यही था कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क था, पीपल वर नॉट हैविंग, पीपल जो ये असेट और लाइबिलिटी का ड्यूरेशन था ये ठीक नहीं था, इसलिए इनकी लिक्विडिटी रिस्क भी इंक्रीज हुई. हाउएवर, इफ अ बैंक यूजेस शॉर्ट टर्म फंडिंग सोर्सेस टू मिनिमाइज इंटरेस्ट रेट रिस्क, दे मे फेस हायर लिक्विडिटी रिस्क. इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग जिनसे पैसे लेते हैं ना, जैसे ये लोग एफआई से पैसे ले रहे थे, तो ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे थे. अब ये अगर इनसे शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेंगे तो इससे क्या होता है ना कि हो सकता है ये अपना मेजरली अपने लिक्विडिटी रिस्क बढ़ा रहे थे. कभी रीपे नहीं कर पाए, इतने शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे, कभी रीपे नहीं कर पाए तो दे तो फिर इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाएंगे. देखो मैं सिर्फ एक दिन के लिए ले रही हूँ, क्या श्योरिटी कि एक दिन के बाद मेरे पास पैसे आ ही जाएंगे. नहीं आए तो लिक्विडिटी रिस्क बढ़ती है. दिस इज बिकॉज शॉर्ट टर्म फंडिंग कैन बी मोर वोलेटाइल एंड सब्जेक्ट टू सडन विड्रॉल्स और मार्केट डिसरप्शन. जब कैसे, जैसे मैंने शिवम से एक दिन के लिए पैसे ले रखे थे और मैं बैंक हूँ और मेरे पास एक दिन में अचानक से बहुत सारे विड्रॉल आ गए, तो फिर मैं शिवम को पैसे वापस नहीं कर पाऊंगी. इसलिए अब क्या है ना, मार्केट्स आर वेरी वोलेटाइल नाउअडेज, इसलिए वी नीड टू टेक केयर कि अगर मैं किसी से ले रही हूँ पैसे तो मैं एटलीस्ट शॉर्ट टर्म नहीं, और मैं अगर लॉन्ग टर्म नहीं ले रही तो भी मैं एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए तो लू. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दे आर, मतलब दे आर ट्राइंग टू टेल कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसे मत लो, अदरवाइज आपको लिक्विडिटी रिस्क बढ़ेगी. फिर कॉस्ट वर्सेस रिस्क मिटिगेशन. लॉन्ग टर्म फंडिंग का मतलब क्या हुआ, टू रिड्यूस लिक्विडिटी रिस्क बैंक्स ऑफन मूव टू लॉन्ग टर्म फंडिंग सोर्सेस. अब क्या, मैंने क्या बोला कि अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए शिवम से पैसे लूंगी तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी, तो इन लोगों ने क्या किया, उस चीज को हटाने के लिए आफ्टर 2007-09 दे टोल्ड कि अगर आप पैसे लेना ही चाह रहे हो किसी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो लॉन्ग टर्म के लिए लो. तो लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो व्हाट, तो फिर ये अप्रोच क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी कैश फ्लो को एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ सडन फंडिंग शॉर्टेजेस. अब समझो मैंने शिवम से कल मैंने शिवम को बोला कि गिव मी 10,000. ठीक है, शिवम को बोला, आई टोल्ड दैट शिवम गिव मी 10,000 रुपीज, आई विल पे यू बैक इन वन डे. और मैं हूं बैंक और मेरे पास उसी दिन एक साथ समझो 5 लाख की, मैं छोटा बैंक हूँ कोई, मतलब छोटा बैंक भी नहीं हूँ, हम जाने दो, बैंक बनती नहीं हूँ, बैंक बनने की तो औकात ही नहीं हो रही मेरी. क्या बोलूँ, ठीक है मैं परीक्षा ही रहती हूँ. ठीक है, तो
मेरे को किसी ने बोला, मैंने और भी लोगों से पैसे बोरो कर रहे थे, किसी ने मुझे बोला कि चलो हमारे 10,000 रुपए वापस करो। तो मुझे तो कल शिवम को ये 1,000 रुपए लौटाने थे, अब आज मैं किसी को 10,000 दूंगी तो कल मेरे पास लेन देन का काम चालू कर दो। हाँ, मेरे को घर से निकाल देंगे मेरे मम्मी पापा। ठीक है, तो ये जो 10,000, ठीक है, तो मैंने क्या फिर मैं शिवम को कैसे पैसे वापस दूंगी? आज मुझे 10,000 किसी को देने, कल मेरे को शिवम को 1,000 वापस देने, तो ये नहीं चलता। ठीक है, इससे अच्छा मैं शिवम को बोल देती, यार शिवम लेटेड भी तू मुझे एक काम कर, 51 डेज के लिए दे दे। तो 51 डेज के बाद हो सकता है कि मेरे पास पैसे होते, मैं रेडी रहती कि कल मुझे शिवम को, कि मतलब मेरे को शिवम को 51 डेज के बाद पैसे देना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल। ठीक है, देन बैलेंसिंग कॉस्ट, बैंक मस्ट वे द बेनिफिट्स टू रिड्यूस लिक्विडिटी रिस्क अगेंस्ट हायर कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंडिंग। ठीक है, अब अगर मैं लॉन्ग टर्म फंडिंग करूंगी तो मैं तो उसमें क्या होगा ना, मेरा भी बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर मैं किसी से पैसा ले रही हूँ उसका मतलब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ठीक है, आई नीड टू पे मोर इंटरेस्ट रेट, तो मेरे को मोर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो भी मेरे पास इंटरेस्ट रेट रिस्क रहेगी। तो मुझे क्या फिर अपनी लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज तो कम तो हो रही है, बट मुझे उसके बेनिफिट्स देखना पड़ेगा कि ये मुझे बेनिफिट करेगा फ्यूचर में या नहीं बेनिफिट करेगा। फिर उसके बाद कंपीटिंग ऑप्शंस, रिड्यूसिंग एसेट्स मेच्योरिटी, अनदर ऑप्शन फॉर बैंक इज टू, अब दूसरे और क्या क्या ऑप्शन है बैंक के पास अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, अनदर ऑप्शन फॉर बैंक इज टू शॉर्टन द मेच्योरिटी ऑफ देयर असेट्स विच कैन हेल्प अलाइन द ड्यूरेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, अब अगर मैं जिससे पैसा ले रही हूँ, समझो मैं शिवम से एक दिन के लिए ले रही हूँ, मेरे को वो कम नहीं करना, तो मैं क्या करूंगी, मैं जिसको लोन दे रही हूँ उसको शॉर्ट टर्म लोन दूंगी। मतलब मुझे कैसे भी करके ड्यूरेशन मैच करनी है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे लोग यही बोल रहे हैं, अगर आप एसेट्स नहीं रिड्यूस कर, अगर आप लाइबिलिटी की वैल्यू को बढ़ा नहीं पा रहे, मेच्योरिटी को नहीं बढ़ा पा रहे, तो असेट की मेच्योरिटी को शॉर्ट कर दो। विच कैन हेल्प अलाइन ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, हाउएवर दिस मे नॉट ऑलवेज ए प्रैक्टिकल और फीसेबल। ठीक है, कोई भी मेरे पास लोन लेने आएगा, शॉर्ट टर्म लोन लेने बहुत कम लोग आते हैं, एवरीवन नोस, क्योंकि लोग लोन लेने क्यों आते हैं, मेजरली कार खरीदी, घर खरीदा, एजुकेशन का कोई काम है तो आते हैं, तो शॉर्ट टर्म लोन लेने लोग आते नहीं है, तो दिस इज नॉट वेरी वाइज। फिर इनफीजिबिलिटी ऑफ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, गिवन द इनहेरेंट वेरिएबिलिटी इन बोथ फंडिंग सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म एंड एंड वेट अ मिनट, गिवन द इनहेरेंट वेरिएबिलिटी इन बोथ फंडिंग सोर्सेज एंड लोन टर्म्स, इट इज अनलाइकली दैट बैंक कैन परफेक्टली मैच ड्यूरेशन ऑफ देयर लाइबिलिटी एंड असेट्स। ये सब अग्री करेंगे। ठीक है, सब बोल रहे हैं कि इक्वल इक्वल रखना चाहिए, लेकिन इक्वल इक्वल रखना इज नॉट नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट इज नॉट वेरी मच पॉसिबल, तो एटलीस्ट इफ यू कांट कीप इक्वल, कीप इट क्लोज। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ये इक्वल रखना, इतना इक्वल नहीं रह सकते, ठीक है, इक्वल रखना मुश्किल है, तो क्या एटलीस्ट क्लोज रखो जिससे बहुत ज्यादा मिसअलाइनमेंट ना हो। अब इमरजेंसी में अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैकअप, मतलब क्या, कैपिटल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बैंक के नॉट ऑलवेज मैच असेट एंड लाइबिलिटी ड्यूरेशन। ये मैंने ऊपर ही बताया, क्योंकि मैं हमेशा तो नहीं ड्यूरेशन मैच कर सकती, तो वॉट आई विल डू कि मैं एटलीस्ट इमरजेंसी के लिए कुछ कैपिटल बफर साइड में रखूंगी। दैट इज वाई दे आर टेलिंग हैविंग एक्सेस टू इमरजेंसी लिक्विडिटी बिकम्स एसेंशियल। ठीक है, कीप कैपिटल बफर्स। दिस में इन्वॉल्व सिक्योरिंग क्रेडिट लाइन्स और अग्रीमेंट्स विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट कैन प्रोवाइड इमीडिएट फंड्स इन टाइम ऑफ नीड। तो ये क्रेडिट लाइन क्या होता है? जैसे मैं कोई बैंक हूँ, ठीक है, मैं कोई छोटा बैंक हूँ, स्मॉल बैंक हूँ, तो मैं ये करूंगी, मैं एक बड़े बैंक से बोलूंगी, मैं कोई बड़े बैंक से बोलूंगी कि आप प्लीज, मैं उससे क्या करूंगी, मैं उसको कुछ पैसे दे दूंगी, ठीक है, मैं उसको कुछ फीस पे कर दूंगी, और मैं उसको बोलूंगी कि मेरे को ना 500 मिलियन का लोन चाहिए, मैं कभी भी मांगूंगी आपसे। ठीक है, मैं हो सकता है पार्ट में मांगू, हो सकता है फुल्ली मांग लू, बट और फिर बोले कि 1 साल तक चाहिए मुझे,
ठीक है, एक साल तक आप इतनी लिमिट रखो 500 मिलियन डॉलर की। अब मुझे थोड़ा थोड़ा करके मुझे जैसे नीड होगी पैसे देना, या फिर एक साथ पूरे देना, और फिर मैं आपको फीस तो भी एक दे देंगे। ये फीस क्यों रख देंगे कि ये जो बड़ा बैंक है ना, कि इतने पैसे मेरे नाम पे रख दे कि कभी भी अगर छोटे बैंक को नीड होगी तो मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, बड़ा बैंक ऐसा बोलेगा कि ठीक है, वो क्या करेगा, वो इतना पैसा साइड में रख देगा, वो बोलेगा कभी भी इसको नीड होगी मैं इसको दे दूंगा, और मैं उसको इस चीज के लिए थोड़े से फीस दे दूंगी, और फिर जब जब मुझे नीड होगी मैं पैसे लेती रहूंगी, और फिर उसके बाद उसको रिटर्न कर दूंगी बैंक को विद इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, अगर मैं बहुत कैपिटल नहीं रख सकती तो दिस इज वन थिंग विच आई कैन डू। हाँ, फिर कॉस्ट कंसिडरेशंस। वाइल हैविंग इमरजेंसी लिक्विडिटी एक्सेस, इट्स क्रूशियल फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉस्टली। ठीक है, अब अगर मेरे पास बहुत ज्यादा किसी का पैसा पड़ा है तो लिक्विड, तो मुझे रिस्क मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैनेजिंग रिस्क कैन बी वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पे क्या है, बैंक मस्ट इनकर फीस फॉर मेंटेनिंग दीज क्रेडिट लाइन्स। ठीक है, अब अगर मुझे ये क्रेडिट लाइन बनानी है तो मैंने क्या बोला, मुझे फीस देनी पड़ेगी, तो आई नीड टू हैव उतनी फीस तो मुझे रखनी पड़ेगी। अगर चाहे मैं ये पैसा ना लूं बट स्टिल मुझे वो फीस तो देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मुझे ये सब कॉस्ट को कंसिडर करके ये सारे काम करना है। फिर बैलेंसिंग रिस्क एंड कॉस्ट, बैंक मस्ट फाइंड अ बैलेंस बिटवीन रिस्क रिडक्शन गेन फ्रॉम इमरजेंसी लिक्विडिटी ऑप्शन एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। दिस इज द सेम थिंग कि अगर मुझे इससे 500 मिलियन डॉलर चाहिए तो मैं इसको पैसे दे रही हूँ, तो इतना पैसा देना भी मेरे, मतलब आई शुड बी केपेबल कि मैं इतना पैसा दे पा रही हूँ, चाहे मैं इसे यूज करूँ ना या ना करूँ। ठीक है, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन मैं इतनी केपेबल होनी चाहिए कि मैं इसको इतना, एटलीस्ट इतनी फीस तो मैं अफोर्ड कर पाऊँ। तो आई शुड हैव द बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। ओके, समझ में आया? ये भी मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, यहाँ पे इतना सही है, बट अब आई फेल्ट कि बता देना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इतना ही है, घर पे रीड कर लोगे या आगे चले? हेजिंग स्ट्रेटेजीज, देखो अब हेज क्या होते हैं, हेज दो तरह के होते हैं। पहला अपना एक हेजिंग स्ट्रेटेजी होती है स्टैटिक हेजिंग स्ट्रेटेजी, दूसरी अपनी होती है डायनामिक हेजिंग स्ट्रेटेजी। मुझे कोई भी बताओ व्हाट इज स्टैटिक हेजिंग स्ट्रेटेजी, मैंने बता रखा है क्लास में पहले, ये तो पूरा केस मैंने समझा रखा है, मुझे जस्ट रिवाइज करवाना है वापस से। व्हाट इज स्टैटिक हेजिंग स्ट्रेटेजी? याद है या याद नहीं है? साफ साफ मुझे इतना आंसर कर दो तो मैं उसके बाद आगे बढ़ू। रोहित याद है? थोड़ा याद है, बताओ कितना याद है। स्टैटिक हेजिंग में मतलब वही चेंज नहीं होता है ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन चेंज नहीं होता, और कॉस्टली होता है, कॉस्टली नहीं होता। लो कॉस्ट होते हैं। हाँ, और सुपरविजन नहीं रिक्वायर्ड होती। ठीक है, तो स्टैटिक हेजिंग में, ये चलो रोहित को याद था, स्टैटिक हेजिंग में क्या होता है, और स्टैटिक हेजिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स बाइंग अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट अरे इन्वॉल्व बाइंग अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दैट क्लोजली मैचेस द पोजिशन टू बी हेज। ठीक है, समझो मुझे याद है जेट फ्यूल को मैच करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कोल नहीं, क्रूड ऑयल, मैं क्या करूंगी, क्रूड ऑयल के फ्यूचर ले लूंगी, जो एकदम साथ साथ चलते हो। ठीक है, इट्स नॉट सेम बट ये दोनों एकदम क्लोज चलते हो, तो मैं क्या करूंगी, इसलिए मैं क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स ले लूंगी, क्योंकि जेट फ्यूल के अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, फ्यूचर्स आर नॉट देयर फॉर जेट फ्यूल। तो मुझे अगर इसको सेव करना है, इसके प्राइस फिक्स करना है, तो मैं क्या, कोई बात नहीं, क्रूड ऑयल का ले लेती हूँ, दोनों साथ ही चलते हैं। और इसमें क्या होगा, स्टैटिक हेज मतलब मुझे इसको बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा इसके प्राइसेस के हिसाब से, एक बार मैंने बना दिया मुझे बार बार नहीं करने की जरूरत है, तो आई डोंट नीड टू कीप सुपरविजन कम्प्लीटली। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हर किसी में देखना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है ना, पहली बात तो इतने मेरे ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि क्या मैं एक बार एंटर हो गई इसमें तो ठीक है, तो मैं हमेशा यही फ्यूचर में रहूंगी, मैं बार बार, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई पोजिशन। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई पोजिशन अगेन एंड अगेन।
ठीक है, ये स्टैटिक है, मैं ऐसे ही रहेगा, स्टैटिक मतलब अपने नाम जैसा, ठीक है, इट विल स्टे द सेम, जैसा है वैसे ही रहेगा, इसलिए इसके अंदर इतने ज्यादा कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। फिर अभी क्या है, डायनामिक क्या है, डायनामिक इज कम्प्लीटली अपोजिट। डायनामिक हेजिंग का मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये बार बार अपने हेज पोजीशन को रीबैलेंस करना पड़ता है। इसमें क्या है, जैसे समझो कॉर्न के लिए मैं कर रही हूँ, तो कॉर्न के क्या है, प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, या फिर कॉर्न भी नहीं, मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है इसके लिए, मैं देख लूंगी एक बार और मुझे कुछ मिला तो मैं उस हिसाब से बाद में बताती हूँ। बट डायनामिक हेजिंग स्ट्रेटेजी में क्या है, मुझे बार बार अपनी हेज पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। लाइक जो मैंने लिए आई वोंट बी, मतलब वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, आई नीड टू अगेन एंड अगेन चेंज इट। तो इसमें क्या, मेरा सुपरविजन ज्यादा होगा, ठीक है, आई नीड टू कीप अ चेक कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है। और अगर इसमें बार बार चेंज करना पड़ रहा है तो मेरे एफर्ट्स लगेंगे और मुझे ज्यादा स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, दैट विल बी मोर कॉस्टली, ठीक है। तो दिस इज कम्प्लीटली अपोजिट। ओके, समझ में आया, डायनामिक एंड स्टैटिक समझ में आया, हर्ष समझ में आया, इनको तो मैंने करा रखा है इसलिए तुमको मैंने कराया नहीं, आया समझ में? अभी रोलिंग अ हेज, व्हाट डज रोलिंग अ हेज मींस, रोलिंग अ हेज मतलब कैसे है, जैसे मैंने नवंबर में कोई फ्यूचर लिया, ठीक है, नवंबर में समझो मैंने एसबीआई का 830 का अक्टूबर फ्यूचर लिया, लेकिन मैंने क्या किया, मुझे इसको और चाहिए, मेरा ना एक एक मतलब मुझे जितना प्रॉफिट अर्न करना था ना, वो मैं अक्टूबर मंथ में अर्न नहीं कर पाई, तो मैं क्या करूंगी, मैं अक्टूबर मंथ के एंड में तो आई विल स्क्वायर ऑफ, ठीक है, आई विल स्क्वायर ऑफ अक्टूबर के एंड में, लेकिन जैसे ही नवम्बर चालू होगा ना, अगेन सेम फ्यूचर में 8:30 नवम्बर का फ्यूचर, आई विल अगेन टेक द पोजिशन। तो ये जो, इसे जो बोलते हैं ना, इस चीज को हम बोलते हैं रोल ओवर, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? वॉट इज रोल ओवर, इसे हम बोलते हैं रोलिंग द हेज। एक ना अक्टूबर मंथ का है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए था नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगी, अक्टूबर का बुक, और फिर वापस से नवंबर में सेम फ्यूचर में एंट्री हो जाएगी मेरी, ठीक है, दिस इज नोन एज रोलिंग द हेज। डायनामिक हेज इज अ कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिकली अपडेटिंग द हेजिंग एक्सपोजर। अब ये जो बार बार रोल ओवर करते हैं ना, दिस इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डायनामिक हेज, क्योंकि अगर मैं एक अक्टूबर मंथ का लेती, मुझे जितना प्रॉफिट था मैंने ले लिया, लास्ट में मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा स्टैटिक हो जाएगा, मैंने जो सोचा था वैसे ही हुआ। लेकिन अगर मैं बार बार रोल ओवर कर रही हूँ, तो मुझे बार बार अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ी, एक पोजीशन से एग्जिट करके नेक्स्ट पोजीशन में आऊंगी, तो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, ऐसा नहीं होता कि कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही। रोलिंग मतलब क्या, मैं बार बार सेम फ्यूचर में काम कर रही हूँ, दैट इज वो समथिंग विच वी नोन एज रोलिंग, रोलिंग ओवर द हेज, रोलिंग ओवर द फ्यूचर, सॉरी। इसमें क्या, एनालिस्ट विल बाय 1 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू हेज अ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का लेके सोचेंगे। फिर क्या, व्हेन द फर्स्ट मंथ हैज पास्ड, दे विल नीड टू रोल फॉरवर्ड द स्ट्रेटेजी एंड बाय अनदर सीरीज 1 month कॉन्ट्रैक्ट। क्या अक्टूबर का मंथ एंड खत्म हुआ, अक्टूबर 30 को खत्म हो जाएगा, ठीक है, 31 को खत्म होगा, अक्टूबर में आई विल क्लोज माई पोजिशन, अगेन एंटर इंटू सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम फ्यूचर मतलब सेम जो अंडरलाइंग एसेट होगा उसके फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ के एंटर हो जाऊंगी, दिस इज नोन एज रोल ओवर। ओके, अभी एमजीआरएम का केस, एमजीआरएम का केस है, लेट मी चेंज द कलर, अभी दिस इज एमजीआरएम केस, दिस वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन डायनामिक हेजिंग, ठीक है, फोकस्ड ऑन डायनामिक हेजिंग। अब एमजीआरएम क्या था ना, इट वाज अ सब्सिडियरी, अमेरिकन सब्सिडियरी थी कोई तो, और फिर ये डायनामिक हेजिंग करती थी, डिप्लॉइंग अ रोलिंग हेज स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये भी बार बार रोल ओवर करती थी। अब कैसे अपने फ्यूचर को रोल ओवर करती थी ना, वो हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे ना एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके पूरा केस समझाने की कोशिश करी है, एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये खत्म होगा ना उसके बाद आई विल एंड द क्लास, इससे ज्यादा आई विल नॉट टेक,
मुझे मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगेंगे समझाने में, ठीक है? फटाफट सुन लो। ये क्या करता था? डायनामिक हेजिंग इज ए स्ट्रेटेजी यूज टू प्रोटेक्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। अब क्या करना है, ये लोग ना ऑयल प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से डर था इनको, ठीक है, कि ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज ना हो जाए। तो ये क्या, ये फ्यूचर में एंटर होते थे, फ्यूचर में क्यों एंटर होते थे? टू फिक्स अ प्राइस, जिससे प्राइस ज्यादा ऊपर जाए ना, समझो। वो उनको ना ऑयल प्राइसेस बढ़ने का डर था, तो उनको इस चीज का डर था कि प्राइसेस कभी बहुत ऊपर चले गए तो मुझे ज्यादा लॉस ना हो। लेकिन वो ये चीज भूल गए कि प्राइसेस कभी बहुत नीचे आ गए तो फिर उनको मार्जिन कॉल आ सकता है। तो दे वर नॉट कंसिडरिंग ये वाली सिचुएशन कि प्राइस नीचे आए बहुत ज्यादा तो क्या होगा। दे वर जस्ट कंसिडरिंग वन सिचुएशन कि अगर बहुत ऊपर चले गए तो क्या होगा, इसलिए दे वर डूइंग डायनामिक हेजिंग। अब ये देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। इमेजिन यू रन अ बेकरी एंड यू नीड फ्लोर फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है? मुझे फ्लोर की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बेकरी है। अब मुझे क्या डर लगता है कि अरे यार ये आटे की तो प्राइस 12 रुपए पड़ेगी। नॉट आटा, मैदा यूज होता है बेकरी में तो मेजरली, बट क्या मेरे को क्या डर है कि इनकी प्राइसेस बढ़ेगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी और बाय कर लूंगी फ्लोर टू आज ही के प्राइस पे, ठीक है? समझो आज 1 किलो आटा 100 रुपए का चल रहा है, 100 रुपए। मेरे को पता नहीं है यार ये आटे वाटे की प्राइसेस, सॉरी। मैं इसलिए इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है? तो मेरे को जज मत करना। मैं ये करूंगी, मैं 1 केजी को 100 रुपए के प्राइस पे फिक्स कर दूंगी आज से लेके 1 साल तक। आज ये प्राइस है, मैं इसको आज से लेके 1 साल तक मैं जब भी आटा खरीदूंगी इस दुकान से, मैं फिक्स कर दूंगी कि मैं 1 केजी इतने पे लूंगी। अब मेरे को जितना भी आटा रिक्वायर्ड होगा यही अमाउंट पे होगा, ठीक है? अब चाहे आटे की प्राइस कभी 80 रुपीज हो जाए, 90 रुपीज हो जाए, 120 रुपए हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं लूंगी, ठीक है? 80 हुई तो शॉपकीपर को प्रॉफिट, 120 हुई तो मुझे प्रॉफिट, ओके? ऐसे एमजीआरएम का स्ट्रेटेजी थी ऑयल के केस में। तो वो लोग क्या करते थे, एमजीआरएम ने क्या किया, एमजीआरएम ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हीटिंग ऑयल एंड गैसोलीन, ठीक है? दे वर मोस्टली इनटू ऑयल। और इन लोगों ने क्या किया, उसका एक प्राइस फिक्स कर दिया, समझो 40 रुपी। ये कुछ प्राइस ऐसा था नहीं, ठीक है, दिस इज जस्ट ए एग्जाम्पल। उन लोगों ने क्या किया, एक बैरल की प्राइस $40 फिक्स कर दी। अब इन लोगों ने क्या किया, इफ अ मार्केट प्राइस ऑफ ऑयल राइजेस टू $50, देखो मार्केट में अगर $50 चल रही है, मैंने $40 कर रखा है, तो मेरे को क्या हुआ, $10 का प्रॉफिट होगा। ये सिचुएशन थी। अब ये लोग क्या करते थे, एमजीआरएम ना, एमजीआरएम अपने कस्टमर्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देती थी। एमजीआरएम खुद तो रखती थी, एमजीआरएम कस्टमर, मेन काम यही था। एमजीआरएम के जो कस्टमर्स थे ना, वो उनको बोलती थी कि तुम मुझसे आके कभी भी ऑयल खरीदोगे ना, तुम एक प्राइस फिक्स कर लो, अपन मैं वही प्राइस पे आपको ऑयल दूंगी, ठीक है? तो वो उनके साथ भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई। तो इधर देखो, कस्टमर्स माइट वॉन्ट टू एग्जिट देयर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अब अगर समझो ये 50 हो गया, 50 हो गए तो मतलब क्या, कस्टमर्स को तो पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या था, इन लोगों ने 40 रुपीज पर बैरल बैरल की प्राइस फिक्स करी थी, ठीक है? तो एमजीआरएम के जो कस्टमर्स थे, एमजीआरएम ने बोला था कि आप कभी भी आओगे आपको 40 रुपीज पर बैरल पे प्राइस मिलेगी, ठीक है? लेकिन ऑयल की प्राइस इंक्रीज हो गई 50 पे, तो कस्टमर्स माइट वांट टू एग्जिट द कॉन्ट्रैक्ट। एमजीआरएम क्या करती थी, अलाउ करती थी कंपेंसेटिंग कस्टमर्स बाय पेइंग हाफ द डिफरेंस, ₹5 बैरल इन दिस केस। जस्ट अ मिनट, ₹5 क्यों, $5 पर बैरल इन दिस केस, डिफरेंस तो 10 का है, तो 10 का हाफ 5। हाफ क्यों, हाफ नहीं होगा ना, मैं वही बोल रही हूँ, हाफ क्यों कर रहे हैं लोग। वहां पे लिखा हुआ ना भाई, पेइंग हाफ द डिफरेंस, इसलिए तो 5 हुआ ना। अरे तो एग्जाम्पल में गलत लिखा है ना, मैं वही बोल रही हूँ, मेरे को गलत लग रहा है कुछ, मैं इसको एक बार कल चेक करके बता दूंगी, ठीक है? बट इट इज अ डिफरेंस ऑफ $10, ठीक है? इट इज अ डिफरेंस ऑफ $10, मैं इसको कल एक बार चेक करके बताऊंगी, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है? बट मेरा केस समझ में आया ना,
तब वो केस क्लियर है या नहीं, केस क्लियर नहीं है। एमजीआरएम क्या करता था, एक प्राइस फिक्स कर देता था और कस्टमर को वही प्राइस पे देता था। मार्केट में कुछ भी प्राइस चल रही हो, वो अपने कस्टमर्स को वही प्राइस पे देता था, और खुद भी ऐसे ही अपने एक प्राइस फिक्स रखता होगा। जैसे उसने कस्टमर को 40 बोला, तो हो सकता है कि उसने खुद ने तो 30 पे रख रखा होगा फिक्स। ठीक है, हाँ या ना तो बोलो, तो मैं आगे बढ़ूंगी। अभी क्या हुआ, ये लोग ना फ्यूचर्स यूज करते थे अपनी एक प्राइस को फिक्स करने के लिए, देवर यूजिंग फ्यूचर्स। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अग्रीमेंट टू बाय बाय ऑयल एट सेट प्राइस इन फ्यूचर्स। ठीक है, वो क्या करते थे, फ्यूचर में एक प्राइस सेट कर लेते थे और उसी पे खरीदते थे। समझो एमजीआरएम ने क्या किया, एमजीआरएम ने फ्यूचर को बाय किया एट $39। मैंने क्या बोला, एमजीआरएम और नीचे ही खरीदता होगा, एमजीआरएम ज्यादा पे नहीं करता होगा। ठीक है, एमजीआरएम ने क्या किया, फ्यूचर्स को 39 पर डॉलर ये प्राइस फिक्स कर दी उसने। ठीक है, और एक्सपेक्टिंग टू सेल देम लेटर। ठीक है, वो क्या सोच रहा था कि अब इसको बाद में बेचेंगे, और जब भी बेचेंगे तो ज्यादा रुपए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, एमजीआरएम ने फ्यूचर कितने पे खरीदा था, $39 फिक्स था। अब फेब्रुवरी में, ये क्या जनवरी की बात है, फेब्रुवरी में क्या हुआ, फ्यूचर की प्राइस $1 बढ़ गई, $1 बढ़ गई। तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, $1,000 का, क्योंकि इसके पास 1,000 बैरल्स थे। हाँ, थाउजेंड इंटू वन, 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, $1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने जब नए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ना मार्च में, तो उसने 40 पे एंटर किया होगा, क्योंकि मार्च में हो तो उसने क्या किया, अभी तो 40 पे क्लोज कर दिया फेब में, और फिर मार्च में जब एंटर किया ना, तो उसने मार्च में वापस से $40 पे एंटर किया। मतलब क्या, $40 पे 1,000 बैरल्स। तो वो क्या कर रहा था, बार बार रोल ओवर कर रहा था। समझ में आया, समझ में आया, रोल ओवर कर रहा था। अब इस सिचुएशन में क्या, बैकवर्डेशन और कॉन्टैंगो किसको पता है, बुक 3 तो हो गई होगी ना, बैकवर्डेशन और कॉन्टैंगो पता है क्या। देखो यहाँ पे इनको क्या डर था, इनको डर क्या था कि मेरे प्राइसेस बढ़े ना। ठीक है, ये इनका डर था। तो प्राइसेस बढ़े ना मतलब क्या, स्पॉट के प्राइसेस जो है, स्पॉट प्राइसेस मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहे है, ठीक है, और फ्यूचर प्राइस मतलब जो मैंने फिक्स कर रखा है। तो जब भी मार्केट के प्राइसेस आर मोर देन फ्यूचर प्राइसेस, आई एम इन प्रॉफिट। ठीक है, आई एम इन प्रॉफिट, एमजीआरएम इज इन प्रॉफिट, क्योंकि एमजीआरएम को तो क्या है, एमजीआरएम को प्रॉफिट लग रहा है। ठीक है, जैसे 40 का था और 39 पे था, तो $1 का एमजीआरएम को प्रॉफिट था। यहाँ पे देखो, जैसे करंट अभी 50 चल रहा है, मेरा फ्यूचर का नेक्स्ट मंथ का 48 है, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, $2 पर बैरल। ओके, इतना क्लियर है, ये बैकवर्डेशन की सिचुएशन थी। अब कॉन्टैंगो में क्या होता था, कॉन्टैंगो में ऐसा होता था कि मार्केट प्राइस इज लोअर देन फ्यूचर्स प्राइस। समझो मैंने फिक्स कर रखा है 42 और मार्केट की प्राइस है 40, तो मुझे तो $2 का नुकसान हो गया ना। ये सिचुएशन फेवरेबल है क्या मेरे लिए, और मैंने इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा था। ठीक है, एमजीआरएम नेवर थॉट अबाउट दिस। सोचो कितना, मतलब वहां पे कितना लोगों को पहले कुछ कुछ भी नॉलेज नहीं होगा कि डिडंट गिव अ थॉट टू दिस थिंग। ठीक है, समझ में आया। वॉट, अब इनको क्या, इनको कॉन्टैंगो को तो इन लोगों ने सोचा ही नहीं, देवर जस्ट थिंकिंग कि बैकवर्डेशन हुआ तो करंट प्राइसेस ऊपर हुई तो कैसे बचना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि कभी करंट प्राइसेस नीचे हो गई तो कैसे बचना है, क्योंकि अगर ये नीचे हुई ना, तो दे विल गेट मार्जिन कॉल्स। ठीक है, और वो मार्जिन कॉल के लिए कैपिटल है नहीं है, इतना तो कुछ सोचा ही नहीं। ठीक है, ये सब उन लोगों ने सोचा ही नहीं था। तो 1993 में क्या हुआ, एमजीआरएम फेस लिक्विडिटी क्राइसिस ड्यू टू ऑयल प्राइसेस फॉलिंग। क्या, तब तक, जब तक ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी तब तक उनको कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन 1993 में ऑयल की सारी प्राइसेस नीचे आने लग गई और कॉन्टेंगो की सिचुएशन आ गई। ठीक है, वेयर मार्केट प्राइसेस वर लोअर देन फ्यूचर फिक्स्ड प्राइसेस। ठीक है, अब समझो ऑयल की प्राइसेस फेल टू 35,
तो और एमजीआरएम ने क्या फिक्स कर रखा था? एमजीआरएम ने आई थिंक 42 फिक्स कर रखा था लास्ट केस में. अब और ये यहाँ पे चलो नया, यहाँ पे इनने क्या $39 फिक्स कर रखा है और ऑयल की प्राइस है 35 है. तो मुझे क्या $4 पर बैरल पे लॉस हो रहा है, ठीक है? ये मेरा अनरियलाइज लॉस होगा. और फिर एमजीआरएम को मार्जिन कॉल आने लगे, मार्जिन कॉल फॉर 1.3 बिलियन बिकॉज द एग्रीगेटेड लॉसेस अक्रॉस देयर पोजीशन. बिकॉज ये क्या है ना, ये तो उनको सच में इतना आया था, ठीक है? यहाँ तक तो एग्जाम्पल चल रहा है, लेकिन दिस इज अ रियल सिचुएशन. उनको सच में इतना मार्जिन कॉल आया था, ठीक है? समझ में आ रहा है रोहित शिवम? समझ में आ रहा है? शिवम तो गया लगता है, 6 बजे उसकी क्लास थी, कहीं जाना था उसे. अब फिनिश हो गया, ठीक है? जस्ट दो पैराग्राफ और खत्म है. अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए ना, एमजीआरएम को दिख गया कि अरे मार्जिन कॉल आ रहा है तो कोई रखेगा क्या फ्यूचर? तो फिर एमजीआरएम ने क्या सोचा कि अब बहुत हो गया. अब क्या, वो उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो मार्जिन कॉल के पैसे दे पाए, तो उसने लॉस में ही अपनी सारी की सारी फ्यूचर की पोजिशन को क्लोज कर दिया, ठीक है? विदाउट इनफ कैश MGRM had to sell their futures position at a loss, ठीक है? जो भी लॉस था वो सब बुक करके उसको बेचना पड़ा. तो फिर उन लोगों ने क्या किया, इफ दे सेल एट 35, देयर लास्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉज बॉट इन 39. तो उनको क्या $4 का लॉस हो गया पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे. एंड उनको ये देखो 4000 पर कॉन्ट्रैक्ट का लॉस था, और उनके पास पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट थे. यहाँ पे लिखा भी है, इनके देखो इनके कॉन्ट्रैक्ट थे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके, तो उनको रियलाइज लॉस हुआ होगा 40 मिलियन का. अब ये क्या, ये सब जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है? इस पे इतना फोकस मत करना, बट इस हिसाब से उनको लॉस हुआ. उनके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे, ये तो जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉस है. तो वो लॉस नहीं रिकवर कर पाए, इसलिए इतने बड़े लॉ इसलिए इतना बड़ी सिचुएशन हो गई. और उन लोगों ने कोई कैपिटल बफर नहीं रखा था, ठीक है? कुछ डाउट है? हाँ. अभी इससे लेसन क्या लर्न हुआ है? सबसे पहले तो कैश फ्लो मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट. अब जैसे कोई फैमिली है तो इट नीड्स टू बजट फॉर मंथली एक्सपेंसेस. अब उनको पता होना चाहिए कि अब जैसे एमजीआरएम को ये पता होना चाहिए कि कभी प्राइस नीचे आई तो मार्जिन कॉल आएंगे, तो भाई मेरे पास मार्जिन कॉल के लिए पैसा है या नहीं है? उसने ये सिचुएशन तो सोची ही नहीं कि कभी ऑयल की प्राइसेस नीचे गई तो क्या होगा. तो हर थॉट को रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इफ यू वर ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, तो फिर नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो तब क्या करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल? तो सब चीजों को सोच के करना पड़ेगा. फिर अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनामिक्स. अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा, लाइक यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट बैकवर्डेशन, कॉन्टेंगो का भी तो सोचो. कॉन्टेंगो भी हो सकता है ना मार्केट में, कुछ भी पॉसिबल. ऐसा थोड़ी कि मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा. दिस इज समथिंग विच दे आर ट्राइंग टू टेल. अब अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस में क्या था, यहाँ पे कैसा था ना, इस सिचुएशन में कंपनी को ऐसा था. यहाँ पे देखो, दे हैव रिटन इट. देखो, फर्स्ट देयर आर अकाउंटिंग रूल्स दैट मे मेक द स्ट्रेटेजी लेस एडवांटेजेस. इसमें क्या था, ये अकाउंटिंग रूल्स क्या थे, जर्मन अकाउंटिंग के बेसिस पे थे. और एमजीआरएम को क्या करना पड़ रहा था कि उनको जो भी लॉसेस होते ना, वो लॉसेस जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, दे वर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द लॉसेज एसोसिएटेड विथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लॉसेस थे ना, कॉन्ट्रैक्ट के जो लॉसेस थे वो उनको अपनी बैलेंस शीट पे लिखने पड़ रहे थे, ठीक है? दैट वॉज इम्पोर्टेंट कि वो लिखे. और जो डेली गेन्स थे ना, वो डेली गेन्स दिखाने ही नहीं थे. तो कस्टमर को तो सिर्फ लॉस दिखेगा, कस्टमर को सिर्फ लॉस दिखेगा तो किसी को भी अच्छा लगेगा कि अरे इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो सिर्फ लॉस दिख रहा है. तो फिर क्या होगा, पीपल विल नॉट प्रेफर. तो फिर कस्टमर्स कम हो जाएंगे क्योंकि डेली गेन्स तो दिखाई नहीं रहते, ठीक है? डेली गेन्स नहीं दिखा रहे थे तो कस्टमर्स कम हो जाएंगे, ठीक है? रिड्यूस होंगे. और लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या हुआ, एक लिक्विडिटी रिस्क भी थी रिगार्डिंग मैसिव लॉसेस. ये तो क्या, अगर देखो कस्टमर नहीं आएंगे तो इनके क्या होगा, इनकी क्रेडिट रेटिंग नीचे गिरेगी. और यहाँ पे वापस से आ जाती है, यहीं से पढ़ाती हूँ. इफ अ स्टोर नीड्स टू पे सप्लायर्स बट हैज कैश टाइड अप इन्वेंट्री,
बट इट मे फेस डिफिकल्ट्स लेस सिमिलर टू एमजीआरएम नीडिंग कैश फॉर मार्जिन कॉल्स बट व्हाइल हैविंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. अब इनको क्या फ्यूचर में, पहले तो बहुत प्रॉफिट हो रहा था लेकिन ये जो फ्यूचर्स थे ना लॉन्ग टर्म थे, तो ये लोग वो टाइम पे बुक ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लॉन्ग टर्म थे, तो ये लोग बुक नहीं कर पा रहे थे प्रॉफिट. और प्रॉफिट अगर बुक नहीं कर पा रहे थे तो जब लॉस हुआ ना तो देवर नॉट एबल टू पे. और इन लोगों ने कोई कैपिटल भी नहीं रख रखा था साइड में, तो कुछ सोचा ही नहीं था कि नीचे आएगा तो तब क्या करना है. और फिर डिफरेंट टैक्स रूल्स कैन इम्पैक्ट द नेट इफेक्ट ऑफ हेजिंग. डिफरेंट टैक्स रूल्स मतलब क्या, कि पे हायर टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेलिंग फ्यूचर्स. ठीक है, फ्यूचर को जब सेल करते तो वैसे भी डेरिवेटिव में टैक्सेस आर वेरी मच. ठीक है, डेरिवेटिव्स में टैक्सेस आर वेरी हाई, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी. ठीक है, समझ में आ गया पूरा केस? मैम फ्यूचर हाँ हाँ रोहित, शिवम हो गया? शिवम फ्यूचर लीव कर सकती हो मीटिंग. हाँ बोलो. में गए थे तो इन्होंने डाउनसाइड में तो देखा होगा ना, कि फ्यूचर नहीं नेगेटिव गया देखा था ना, कुछ नहीं देखा था ना. स्ट्राइक प्राइस एंड ऑल तो दैट वाज द ओनली थिंग कि उन्होंने नहीं देखा. उन्होंने नहीं देखा इसलिए तो उनको ऐसा हुआ. देखा होता तो थोड़ी होता. स्ट्राइक प्राइस एंड ऑल्सो वो डिसाइडेड होगा ना कि इतने से नीचे जाएगा तो फिर ऐसा है देखो ऊपर ये आएगा तो तो तुम प्रॉफिट। ये जो सिचुएशन है ना, ये उन लोगों ने नहीं सोची थी इसलिए इतना सब हुआ. अभी अब आज की सिचुएशन, आज के जमाने में हम लोग सोचते हैं कितना पुराना केस था 2007-9 का. तब पीपल वर नॉट नोइंग कि ऐसा भी होता है. ये सब हुआ उसके बाद हम लोगों ने देख देख के सीखा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा. वो टाइम पे तो डेरिवेटिव सोचे होंगे, वो लोग भी ट्रेड वेड करते डेरिवेटिव्स होंगे। वही डेरिवेटिव्स होते थे बट देवर नॉट नोइंग कि उसे कैसे वाइजली यूज करें, इसलिए इतनी दिक्कत आती थी. एक बार ये पढ़ोगे ना तो तुम समझ जाओगे. देखो यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि उन्होंने स्ट्राइक प्राइस देखी नहीं देखी. अब हम लोग अभी देखते बट देवर नॉट लुकिंग एट दो स्ट्राइक प्राइसेस. यस मैम, तो ये क्या है ना, ये सब इलॉजिकल सिचुएशन सी थी पहले के टाइम पे ना. ये देवर नॉट लुकिंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपने हिसाब से करते थे. अब अदरवाइज कोई भी ये सोचेगा ना कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी पर नीचे आएगी तो क्या होगा, वो एक एक कोई भी इंसानों का ना वो थॉटफुल थॉट रखेगा. मतलब वो इतना तो सोचेगा ही कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट इधर नहीं सोचा इसलिए इनको इतना बड़ा लॉस हुआ है. ठीक है। हाँ अभी क्लास एंड कर दूं मैं. चलो बाय, टेक केयर. कल मैं करवाती हूँ. हाँ, गार्ब कोड ऑफ कंडक्ट के क्वेश्चंस ठीक है, हम कल कितने कल बजे होगा? ठीक है, कल 4:30 to 6 ही रखेंगे कल भी. थोड़ा ठीक है. लेट रख सकते हैं क्या, लेट क्योंकि किसी अगर वजह आदर्श सर का क्लास रहेगा तो उनका सेकेंड क्लास भी रहेगा, मतलब दो क्लास रहेगी, 2 क्लास रहेगी. कितनी बजे रहेगी उनकी क्लास? तो खत्म हो जाएगा 2-2.5 बजे तक रहेगा, सुबह 9 बजे से 9:30 तक। 2:30 बजे तक है ना, तो मैं तो 4:30 पे रख रही हूँ. उसके विषयों का पढ़ना पड़ेगा शोर। तो फिर मेरे भी दूसरे भी सेशन होते हैं इसलिए, मेरा खुद का भी पढ़ाई है इसलिए. ठीक है भाई, चलेगा। हाँ क्योंकि मेरे को खुद को भी पढ़ना है. मेरी परसों, मेरी भी 23rd को एग्जाम है ऑफिस में, इसलिए मेरे को दिक्कत है. अदरवाइज तो मैं कर लेती. ठीक है, चलेगा। हाँ ठीक है, ओके.